हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है पिचाई करण और इस फिल्म को हिंदी में रोड साउड रोड साइड रावड़ी के नाम से भी रिलीज़ किया गया है तो दोस्तों इस फिल्म का नाम रोड साइड रावड़ी और पिचाईकरण तमिल में दिया गया है इस फिल्म के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं जो कि आजकल काफ़ी चर्चित है तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि यह फिल्म आप कहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस वीडियो के अंदर फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो आपको बताने वाला हूं और पिचाईकरण या पिछाईकरणी फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करके बताऊंगा ताकि आपको अंदाजा लग पाएगा कि यह फिल्म कितनी शानदार है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों पिचाईकरण 2016 दो की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे रोड साइड सावड़ी भी कहा जाता है जो शीशा द्वारा लिखित और निर्देशित है फातिमा विजय एंटनी द्वारा निर्मित है यह फिल्म और इसमें विजय एंटनी और सतना टाइटस ने अभिनय किया है जिसमें सहायक भूमिकाओं में बागवती पेरूमल वजहक्कू एन मुथुरमन और दीपा रामाजुनन है एंटोनी ने फिल्म के लिए संगीत भी तैयार किया कहानी अरुल के बारे में है एक अरबपति व्यवसायी जो अपनी निराशाजनक मर्तिमा को बचाने के लिए एक धार्मिक भेंट के रूप में एक भिखारी के रूप में 48 दिनों का गुप्त जीवन जीता है पिचाईकरण 4 मार्च 2016 को रिलीज हुई थी और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बन गई थी फिल्म को उड़िया में बेबी मराठी और बिहारी और कन्नड़ के अम्मा आई लव यू नाम से बनाया गया था दोस्तों मैं आपको बता दूं पिचाईकरण की सेकेंड पार्ट पिचाईकरण टू भी रिलीज़ हो चुकी है जिसे दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है तो अगर हम बात करें टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म को लेखक और निर्देशक स्वयं शशि जी हैं और कहानी अकीस ने दी है इस फिल्म के मुख्य अभिनेता विजय एंटनी हैं और इस फिल्म को उत्पादित किया है विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन द्वारा 4 मार्च 2016 को रिलीज़ की गई फिल्म एक मिनट की कार्यकारी अवधि के साथ बनाई गई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर पैंतालीस करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो अरुण सेलवा कुमार के रूप में विजय एंटोनी दिखाई देंगे इस फिल्म में सतना टाइटस दिखाई देंगे अरूल सेलवा कुमार अरूल की पत्नी के रूप में अरूल के कार्मिक सचिव राजेश के रूप में भगवती पेरुमल दिखाई देंगे अश्विनी यानी कि अरुल के चाचा के रूप में वो झाकू एन मथुराम दिखाई देंगे तो चलिए इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं अरुण सेलवा कुमार तिरुपति जिले के पलदम के रहने वाले एक अमीर व्यवसायी है अरुण की माँ भुवनेश्वरी अपने पति की प्रारंभिक मृत्यु के बाद उनके कपड़ा व्यवसाय के विकास के पीछे की व्यक्ति हैं अविनाशी भुवनेश्वरी का बहनोई है जो पैसे के प्रति संवेदनशील है और अरुण की संपत्तियों को हड़पने की योजना बना रहा है अरूड़ ग्रेजुएशन के बाद विदेश से लौटता है और अपनी माँ द्वारा चलाए जा रहे सभी व्यवसायियों की जिम्मेदारी लेता है इस बीच भुवनेश्वरी कारखाने में एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है और कोमा में चल जाती है अरूढ़ द्वारा इसके इलाज के लिए कई सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं संयोग से अरुण उस अस्पताल में एक साधु से मिलता है जहां उसकी माँ का इलाज चल रहा है जो उसे बताता है कि उसकी माँ को बचाने का एक ही तरीका है ऋषि ने उन्हें दो शर्तों के साथ 48 दिनों तक भिखारी का जीवन जीने का सलाह दी पहला यह कि उसे अपनी असली पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए और दूसरा यह कि उसे किसी और को इस बारे में नहीं बताना चाहिए अपनी मां को बचाने का यह कोई अन्य रास्ता नहीं होने पर अरुण दोनों शर्तों को स्वीकार करता है और अपने दोस्त राजेश को उसके लौटने तक व्यवसाय की देखभाल करने के लिए कहता है अरुण चेन्नई जाता है और एक मंदिर में अन्य भिखारियों के साथ शामिल हो जाता है और भीख मांगना शुरू कर देता है जहां उसकी मुलाकात मगजिने से होती है और उसके दर्शनील व्यक्तित्व को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है अरुल याद करते हैं कि उन्होंने उसकी मां ने शुरू में एक वैवाहिक साइट के माध्यम से मैगी जिनी से शादी के लिए संपर्क करने का फैसला किया था बैगजिनी का भी बाद में अरुल से सामना होता है और वह उसके चरित्र को पसंद करने लगती है यह जाने बिना कि वह एक भिखारी है अश्विनी को अरुल की अनुपस्थिति का एहसास होता है और वह अरुल के व्यवसाय को संभालने की कोशिश करता है वह विवाह समारोह में मगीजनी को पता चलता है कि अरुल एक भिखारी है और वह क्रोधित हो जाती है यह सुनकर कि अरुल ने उसे गुमराह किया वह अभी भी उससे बचती नहीं है क्योंकि वह उसके अच्छे स्वभाव से अधिक प्रभावित हो जाती है तो दोस्तों इस फिल्म में एंड तक में क्या होगा क्या उसको पता चल पाता है कि वह एक भिखारी नहीं बल्कि मिलीनियर करोड़पति इंसान है और इस फिल्म में क्या एंटनी अपनी माँ को बचाने में सफल हो पाता है कि नहीं और वह अपना तपस्या पूरा कर पाता है कि नहीं यह सारी चीज़ें आपको फिल्म पूरी देखने के बाद ही पता चलेगी और मैं आपको बता दूं यह फिल्म देखते हुए आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं तो आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए जिसका नाम पिचाई करण उर्फ रोड साइड रावड़ी है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यह आपको देखने के लिए मिल जाएगी Z5 के ऊपर जी दोस्तों पिचाई करण को Z5 के ऊपर रिलीज़ कर दिया गया है तो आपको यह फिल्म Z5 फाइव प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है पिचाई करण और इस फिल्म को हिंदी में रोड साउड रोड साइड रावड़ी के नाम से भी रिलीज़ किया गया है तो दोस्तों इस फिल्म का नाम रोड साइड रावड़ी और पिचाईकरण तमिल में दिया गया है इस फिल्म के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और अगर आप भी ये फ़िल्म देखना चाहते हैं जो कि आजकल काफ़ी चर्चित है तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि यह फिल्म आप कहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस वीडियो के अंदर फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आपको बताने वाला हूं और पिचाईकरण या रोड सा ड्रावड़ी फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करके बताऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि यह फिल्म कितनी शानदार है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों पिचाईकरण दो की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे साइड भी कहा जाता है जो शीशा द्वारा लिखित और निर्देशित है फातिमा विजय एंटनी द्वारा निर्मित है यह फिल्म और इसमें और इसमें विजय सतना टाइटस ने अभिनय किया है जिसमें सहायक भूमिकाओं में बागवती पेरुमल, वजहक्कू एन मुथुरमन और दीपा रामाजुनन है एंटनी ने फिल्म के लिए संगीत भी तैयार किया कहानी अरुल के बारे में है एक अरबपति व्यवसायी जो अपनी निराशाजनक मरती माँ को बचाने के लिए एक धार्मिक भेंट के रूप में एक भिखारी के रूप में 48 दिनों का गुप्त जीवन जीता है पिचाईकरण 4 मार्च 2016 को रिलीज हुई थी और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक बन गई थी फिल्म को उटिया में बेबी मराठी और बिहारी और कन्नड़ के अम्मा आई लव यू नाम से बनाया गया था दोस्तों मैं आपको बता दूं पिचाईकरण की सेकेंड पार्ट पिचाईकरण टू भी रिलीज़ हो चुकी है जिसे दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है तो अगर हम बात करें टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म को लेखक और निर्देशक स्वयं शशि जी हैं और कहानी आकीयस ने दी है इस फिल्म के मुख्य अभिनेता विजय एंटनी हैं और इस फिल्म को उत्पादित किया है विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन द्वारा 4 मार्च 2016 को रिलीज की गई फिल्म एक मिनट की कार्यकारी अवधि के साथ बनाई गई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो अरुण सेलवा कुमार के रूप में विजय एंटोनी दिखाई देंगे इस फिल्म में सतना टाइटल दिखाई देंगे अरुण सेलवा कुमार अरुल की पत्नी के रूप में अरुण के कार्मिक सचिव राजेश के रूप में भगवती पैरूमल दिखाई देंगे अश्विनी यानी कि अरुल के चाचा के रूप में वो झाकू एन मथुराम दिखाई देंगे तो चलिए इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं अरुण सेलवा कुमार तिरुपति जिले के पलदम के रहने वाले एक अमीर व्यवसायी है अरुण की माँ भुवनेश्वरी अपने पति की प्रारंभिक मृत्यु के बाद उनके कपड़ा व्यवसाय के विकास के पीछे की व्यक्ति हैं अविनाशी भुवनेश्वरी का बहनोई है जो पैसे के प्रति संवेदनशील है और अरुण की संपत्तियों को हड़पने की योजना बना रहा है अरूड़ ग्रेजुएशन के बाद विदेश से लौटता है और अपनी माँ द्वारा चलाए जा रहे सभी व्यवसायियों की जिम्मेदारी लेता है इस बीच भुवनेश्वरी कारखाने में एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है और कोमा में चल जाती है अरूढ़ द्वारा इसके इलाज के लिए कई सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं संयोग से अरुण उस अस्पताल में एक साधु से मिलता है जहां उसकी माँ का इलाज चल रहा है जो उसे बताता है कि उसकी माँ को बचाने का एक ही तरीका है ऋषि ने उन्हें दो शर्तों के साथ 48 दिनों तक भिखारी का जीवन जीने का सलाह दी पहला यह कि उसे अपनी असली पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए और दूसरा यह कि उसे किसी और को इस बारे में नहीं बताना चाहिए अपनी माँ को बचाने का यह कोई अन्य रास्ता नहीं होने पर अरुण दोनों शर्तों को स्वीकार करता है और अपने दोस्त राजेश को उसके लौटने तक व्यवसाय की देखभाल करने के लिए कहता है अरुण चेन्नई जाता है और एक मंदिर में अन्य भिखारियों के साथ शामिल हो जाता है और भीख मांगना शुरू कर देता है जहां उसकी मुलाकात मगजनी से होती है और उसके दर्शनील व्यक्तित्व को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है अरुल याद करते हैं कि उन्होंने उसकी मां ने शुरू में एक वैवाहिक साइट के माध्यम से मैगी जिनी से शादी के लिए संपर्क करने का फैसला किया था जिनी का भी बाद में अरुल से सामना होता है और वह उसके चरित्र को पसंद करने लगती है यह जाने बिना कि वह एक भिखारी है अश्विनी को अरुल की अनुपस्थिति का एहसास होता है और वह अरुल के व्यवसाय को संभालने की कोशिश करता है वह विवाह समारोह में मगीजनी को पता चलता है कि अरुल एक भिखारी है और वह क्रोधित हो जाती है यह सुनकर कि अरुल ने उसे गुमराह किया वह भी उससे बचती नहीं है क्योंकि वह उसके अच्छे स्वभाव से अधिक प्रभावित हो जाती है तो दोस्तों इस फिल्म में एंड तक में क्या होगा क्या उसको पता चल पाता है कि वह एक भिखारी नहीं बल्कि मिलीनियर करोड़पति इंसान है और इस फिल्म में क्या एंटनी अपनी माँ को बचाने में सफल हो पाता है कि नहीं और वह अपना तपस्या पूरा कर पाता है कि नहीं यह सारी चीज़ें आपको फिल्म पूरी देखने के बाद ही पता चलेगी और मैं आपको बता दूँ यह फिल्म देखते हुए आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं तो आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए जिसका नाम पिचाईकरण उर्फ रोड साइड रावड़ी है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो यह आपको देखने के लिए मिल जाएगी Z5 के ऊपर जी दोस्तों पिचाईकरण को Z5 के ऊपर रिलीज़ कर दिया गया है तो आपको यह फिल्म Z5 फाइव प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है पिचाई करण और इस फिल्म को हिंदी में रोड साउड रोड साइड रावड़ी के नाम से भी रिलीज़ किया गया है तो दोस्तों इस फिल्म का नाम रोड साइड रावड़ी और पिचाईकरण तमिल में दिया गया है इस फिल्म के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं जो कि आजकल काफ़ी चर्चित है तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि यह फिल्म आप कहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस वीडियो के अंदर फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो आपको बताने वाला हूं और पिचाईकरण या पिछाईकरणी फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करके बताऊंगा ताकि आपको अंदाजा लग पाएगा कि यह फिल्म कितनी शानदार है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों पिचाईकरण 2016 दो की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे रोड साइड ड्रावड़ी भी कहा जाता है जो शीशा द्वारा लिखित और निर्देशित है फातिमा विजय एंटनी द्वारा निर्मित है यह फिल्म और इसमें विजय एंटनी और सतना टाइटस ने अभिनय किया है जिसमें सहायक भूमिकाओं में बागवती पेरूमल वजहक्कू एन मुथुरमन और दीपा रामाजुनन है एंटोनी ने फिल्म के लिए संगीत भी तैयार किया कहानी अरुल के बारे में है एक अरबपति व्यवसायी जो अपनी निराशाजनक मर्तिमा को बचाने के लिए एक धार्मिक भेंट के रूप में एक भिखारी के रूप में 48 दिनों का गुप्त जीवन जीता है पिचाईकरण 4 मार्च 2016 को रिलीज हुई थी और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बन गई थी फिल्म को उड़िया में बेबी मराठी और बिहारी और कन्नड़ के अम्मा आई लव यू नाम से बनाया गया था दोस्तों मैं आपको बता दूं पिचाईकरण की सेकेंड पार्ट पिचाईकरण टू भी रिलीज़ हो चुकी है जिसे दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है तो अगर हम बात करें टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म को लेखक और निर्देशक स्वयं शशि जी हैं और कहानी अकीस ने दी है इस फिल्म के मुख्य अभिनेता विजय एंटनी हैं और इस फिल्म को उत्पादित किया है विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन द्वारा 4 मार्च 2016 को रिलीज़ की गई फिल्म एक मिनट की कार्यकारी अवधि के साथ बनाई गई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर पैंतालीस करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो अरुण सेलवा कुमार के रूप में विजय एंटोनी दिखाई देंगे इस फिल्म में सतना टाइटस दिखाई देंगे अरूल सेलवा कुमार अरूल की पत्नी के रूप में अरूल के कार्मिक सचिव राजेश के रूप में भगवती पेरुमल दिखाई देंगे अश्विनी यानी कि अरुल के चाचा के रूप में वो झाकू एन मथुराम दिखाई देंगे तो चलिए इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं अरुण सेलवा कुमार तिरुपति जिले के पलदम के रहने वाले एक अमीर व्यवसायी है अरुण की माँ भुवनेश्वरी अपने पति की प्रारंभिक मृत्यु के बाद उनके कपड़ा व्यवसाय के विकास के पीछे की व्यक्ति हैं अविनाशी भुवनेश्वरी का बहनोई है जो पैसे के प्रति संवेदनशील है और अरुण की संपत्तियों को हड़पने की योजना बना रहा है अरूड़ ग्रेजुएशन के बाद विदेश से लौटता है और अपनी माँ द्वारा चलाए जा रहे सभी व्यवसायियों की जिम्मेदारी लेता है इस बीच भुवनेश्वरी कारखाने में एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है और कोमा में चल जाती है अरूढ़ द्वारा इसके इलाज के लिए कई सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं संयोग से अरुण उस अस्पताल में एक साधु से मिलता है जहाँ उसकी माँ का इलाज चल रहा है जो उसे बताता है कि उसकी माँ को बचाने का एक ही तरीका है ऋषि ने उन्हें दो शर्तों के साथ अड़तालीस दिनों तक भिखारी का जीवन जीने का सलाह दी पहला यह कि उसे अपनी असली पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए और दूसरा यह कि उसे किसी और को इस बारे में नहीं बताना चाहिए अपनी माँ को बचाने का यह कोई अन्य रास्ता नहीं होने पर अरुण दोनों शर्तों को स्वीकार करता है और अपने दोस्त राजेश को उसके लौटने तक व्यवसाय की देखभाल करने के लिए कहता है अरुण चेन्नई जाता है और एक मंदिर में अन्य भिखारियों के साथ शामिल हो जाता है और भीख मांगना शुरू कर देता है जहां उसकी मुलाकात मगजिने से होती है और उसके दर्शनील व्यक्तित्व को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है अरुल याद करते हैं कि उन्होंने उसकी मां ने शुरू में एक वैवाहिक साइट के माध्यम से मैगी जिनी से शादी के लिए संपर्क करने का फैसला किया था बैगजिनी का भी बाद में अरुल से सामना होता है और वह उसके चरित्र को पसंद करने लगती है यह जाने बिना कि वह एक भिखारी है अश्विनी को अरुल की अनुपस्थिति का एहसास होता है और वह अरुल के व्यवसाय को संभालने की कोशिश करता है वह विवाह समारोह में मगीजनी को पता चलता है कि अरुल एक भिखारी है और वह क्रोधित हो जाती है यह सुनकर कि अरुल ने उसे गुमराह किया वह भी, भी उससे बचती नहीं है क्योंकि वह उसके अच्छे स्वभाव से अधिक प्रभावित हो जाती है तो दोस्तों इस फिल्म में एंड तक में क्या होगा क्या उसको पता चल पाता है कि वह एक भिखारी नहीं बल्कि मिलीनियर करोड़पति इंसान है और इस फिल्म में क्या एंटनी अपनी माँ को बचाने में सफल हो पाता है कि नहीं और वह अपना तपस्या पूरा कर पाता है कि नहीं यह सारी चीज़ें आपको फिल्म पूरी देखने के बाद ही पता चलेगी और मैं आपको बता दूं यह फिल्म देखते हुए आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं तो आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए जिसका नाम करण उर्फ रोड साइड रावड़ी है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो यह आपको देखने के लिए मिल जाएगी जी के ऊपर जी दोस्तों करण को जी के ऊपर रिलीज़ कर दिया गया है तो आपको यह फिल्म जी फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है पिचाई करण और इस फिल्म को हिंदी में रोड साउड रोड साइड रावड़ी के नाम से भी रिलीज़ किया गया है तो दोस्तों इस फिल्म का नाम रोड साइड राउडी और पिछाईकरण तमिल में दिया गया है इस फिल्म के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और अगर आप भी ये फ़िल्म देखना चाहते हैं जो कि आजकल काफ़ी चर्चित है तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि यह फिल्म आप कहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस वीडियो के अंदर फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आपको बताने वाला हूं और पिचाईकरण या न रोड सा ड्रावड़ी फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करके बताऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि यह फिल्म कितनी शानदार है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों पिचाईकरण दो की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे साइड भी कहा जाता है जो शीशा द्वारा लिखित और निर्देशित है फातिमा विजय द्वारा निर्मित है यह फिल्म और इसमें विजय एंटनी और सतना टाइटस ने अभिनय किया है जिसमें सहायक भूमिकाओं में बागवती पेरूमल वजहक्कू एन मुथुरमन और दीपा रामाजुनन है एंटोनी ने फिल्म के लिए संगीत भी तैयार किया कहानी अरुल के बारे में है एक अरबपति व्यवसायी जो अपनी निराशाजनक मर्तिमा को बचाने के लिए एक धार्मिक भेंट के रूप में एक भिखारी के रूप में 48 दिनों का गुप्त जीवन जीता है पिचाईकरण 4 मार्च 2016 को रिलीज हुई थी और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बन गई थी फिल्म को उड़िया में बेबी मराठी और बिहारी और कन्नड़ के अम्मा आई लव यू नाम से बनाया गया था दोस्तों मैं आपको बता दूं पिचाईकरण की सेकेंड पार्ट पिचाईकरण टू भी रिलीज़ हो चुकी है जिसे दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है तो अगर हम बात करें टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म को लेखक और निर्देशक स्वयं शशि जी हैं और कहानी अकीस ने दी है इस फिल्म के मुख्य अभिनेता विजय एंटनी हैं और इस फिल्म को उत्पादित किया है विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन द्वारा 4 मार्च 2016 को रिलीज की गई फिल्म 130 मिनट की कार्यकारी अवधि के साथ बनाई गई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो अरुण सेलवा कुमार के रूप में विजय एंटोनी दिखाई देंगे इस फिल्म में सतना टाइटस दिखाई देंगे अरूल सेलवा कुमार अरूल की पत्नी के रूप में अरूल के कार्मिक सचिव राजेश के रूप में भगवती पेरुमल दिखाई देंगे अश्विनी यानी कि अरुल के चाचा के रूप में वो झाकू एन मथुराम दिखाई देंगे तो चलिए इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं अरुण सेलवा कुमार तिरुपति जिले के पलदम के रहने वाले एक अमीर व्यवसायी है अरुण की मां भुवनेश्वरी अपने पति की प्रारंभिक मृत्यु के बाद उनके कपड़ा व्यवसाय के विकास के पीछे की व्यक्ति हैं अविनाशी भुवनेश्वरी का बहनोई है जो पैसे के प्रति संवेदनशील है और अरुण की संपत्तियों को हड़पने की योजना बना रहा है अरूड़ ग्रेजुएशन के बाद विदेश से लौटता है और अपनी माँ द्वारा चलाए जा रहे सभी व्यवसायियों की जिम्मेदारी लेता है इस बीच भुवनेश्वरी कारखाने में एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है और कोमा में चल जाती है अरूढ़ द्वारा इसके इलाज के लिए कई सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं संयोग से अरुण उस अस्पताल में एक साधु से मिलता है जहां उसकी माँ का इलाज चल रहा है जो उसे बताता है कि उसकी माँ को बचाने का एक ही तरीका है ऋषि ने उन्हें दो शर्तों के साथ 48 दिनों तक भिखारी का जीवन जीने का सलाह दी पहला यह कि उसे अपनी असली पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए और दूसरा यह कि उसे किसी और को इस बारे में नहीं बताना चाहिए अपनी माँ को बचाने का यह कोई अन्य रास्ता नहीं होने पर अरुण दोनों शर्तों को स्वीकार करता है और अपने दोस्त राजेश को उसके लौटने तक व्यवसाय की देखभाल करने के लिए कहता है अरुण चेन्नई जाता है और एक मंदिर में अन्य भिखारियों के साथ शामिल हो जाता है और भीख मांगना शुरू कर देता है जहां उसकी मुलाकात मगजनी से होती है और उसके दर्शनील व्यक्तित्व को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है अरुल याद करते हैं कि उन्होंने उसकी मां ने शुरू में एक वैवाहिक साइट के माध्यम से मैगी जिनी से शादी के लिए संपर्क करने का फैसला किया था मैगजिनी का भी बाद में अरुल से सामना होता है और वह उसके चरित्र को पसंद करने लगती है यह जाने बिना कि वह एक भिखारी है अश्विनी को अरुल की अनुपस्थिति का एहसास होता है और वह अरुल के व्यवसाय को संभालने की कोशिश करता है वह विवाह समारोह में मगीजिनी को पता चलता है कि अरुल एक भिखारी है और वह क्रोध हो जाती है यह सुनकर कि अरुण ने उसे गुमराह किया वह अभी भी उससे बचती नहीं है क्योंकि वह उसके अच्छे स्वभाव से अधिक प्रभावित हो जाती है तो दोस्तों इस फिल्म में एंड तक में क्या होगा क्या उसको पता चल पाता है कि वह एक भिखारी नहीं बल्कि मिलीनियर करोड़पति इंसान है और इस फिल्म में क्या एंटनी अपनी माँ को बचाने में सफल हो पाता है कि नहीं और वह अपना तपस्या पूरा कर पाता है कि नहीं यह सारी चीज़ें आपको फिल्म पूरी देखने के बाद ही पता चलेगी और मैं आपको बता दूँ यह फिल्म देखते हुए आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं तो आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए जिसका नाम करण उर्फ रोड साइड रावड़ी है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यह आपको देखने के लिए मिल जाएगी Z5 के ऊपर जी दोस्तों करण को Z5 के ऊपर रिलीज़ कर दिया गया है तो आपको यह फिल्म Z5 फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है पिचाई करण और इस फिल्म को हिंदी में रोड साउड रोड साइड रावड़ी के नाम से भी रिलीज़ किया गया है तो दोस्तों इस फिल्म का नाम रोड साइड राउडी और पिछाईकरण तमिल में दिया गया है इस फिल्म के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं जो कि आजकल काफ़ी चर्चित है तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि यह फिल्म आप कहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस वीडियो के अंदर फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आपको बताने वाला हूं और पिचाईकरण या न रोड सा ड्रावड़ी फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करके बताऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि यह फिल्म कितनी शानदार है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों पिचाईकरण दो की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे साइड ड्रावडी भी कहा जाता है जो शीशा द्वारा लिखित और निर्देशित है फातिमा विजय द्वारा निर्मित है यह फिल्म और इसमें विजय और सतना टाइटस ने अभिनय किया है जिसमें सहायक भूमिकाओं में बागवती पेरूमल वजहक्कू एन मुथुरमन और दीपा रामाजुनन है एंटनी ने फिल्म के लिए संगीत भी तैयार किया कहानी अरुल के बारे में है एक अरबपति व्यवसायी जो अपनी निराशाजनक मरती माँ को बचाने के लिए एक धार्मिक भेंट के रूप में एक भिखारी के रूप में 48 दिनों का गुप्त जीवन जीता है पिचाईकरण 4 मार्च 2016 को रिलीज हुई थी और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक बन गई थी फिल्म को उड़िया में बेबी मराठी और बिहारी और कन्नड़ के अम्मा आई लव यू नाम से बनाया गया था दोस्तों मैं आपको बता दूं पिचाईकरण की सेकेंड पार्ट पिचाईकरण टू भी रिलीज हो चुकी है जिसे दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है तो अगर हम बात करें टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म को लेखक और निर्देशक स्वयं शशि जी हैं और कहानी आकीयस ने दी है इस फिल्म के मुख्य अभिनेता विजय एंटनी हैं और इस फिल्म को उत्पादित किया है विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन द्वारा 4 मार्च 2016 को रिलीज़ की गई फिल्म एक मिनट की कार्यकारी अवधि के साथ बनाई गई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो अरुण सेलवा कुमार के रूप में विजय एंटोनी दिखाई देंगे इस फिल्म में सतना टाइटल्स दिखाई देंगे अरुण सेलवा कुमार अरुण की पत्नी के रूप में अरुण के कार्मिक सचिव राजेश के रूप में भगवती पेरुमल दिखाई देंगे अश्विनी यानी कि अरुल के चाचा के रूप में वजाकू एन मथुराम दिखाई देंगे तो चलिए इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं अरुण सेलवा कुमार तिरुपति जिले के पलदम के रहने वाले एक अमीर व्यवसायी है अरुण की मां भुवनेश्वरी अपने पति की प्रारंभिक मृत्यु के बाद उनके कपड़ा व्यवसाय के विकास के पीछे की व्यक्ति हैं अविनाशी भुवनेश्वरी का बहनोई है जो पैसे के प्रति संवेदनशील है और अरुण की संपत्तियों को हड़पने की योजना बना रहा है अरूड़ ग्रेजुएशन के बाद विदेश से लौटता है और अपनी माँ द्वारा चलाए जा रहे सभी व्यवसायियों की जिम्मेदारी लेता है इस बीच भुवनेश्वरी कारखाने में एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है और कोमा में चल जाती है अरूढ़ द्वारा इसके इलाज के लिए कई सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं संयोग से अरुण उस अस्पताल में एक साधु से मिलता है जहां उसकी माँ का इलाज चल रहा है जो उसे बताता है कि उसकी माँ को बचाने का एक ही तरीका है ऋषि ने उन्हें दो शर्तों के साथ 48 दिनों तक भिखारी का जीवन जीने का सलाह दी पहला यह कि उसे अपनी असली पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए और दूसरा यह कि उसे किसी और को इस बारे में नहीं बताना चाहिए अपनी मां को बचाने का यह कोई अन्य रास्ता नहीं होने पर अरुण दोनों शर्तों को स्वीकार करता है और अपने दोस्त राजेश को उसके लौटने तक व्यवसाय की देखभाल करने के लिए कहता है अरुण चेन्नई जाता है और एक मंदिर में अन्य भिखारियों के साथ शामिल हो जाता है और भीख मांगना शुरू कर देता है जहाँ उसकी मुलाकात मगजने से होती है और उसके दर्शनीय व्यक्तित्व को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है अरुल याद करते हैं कि उन्होंने उसकी मां ने शुरू में एक वैवाहिक साइट के माध्यम से मैगी जिनी से शादी के लिए संपर्क करने का फैसला किया था जिनी का भी बाद में अरुल से सामना होता है और वह उसके चरित्र को पसंद करने लगती है यह जाने भी नहीं कि वह एक भिखारी है अश्विनी को अरुल की अनुपस्थिति का एहसास होता है और वह अरुल के व्यवसाय को संभालने की कोशिश करता है वह विवाह समारोह में मगीजनी को पता चलता है कि अरुल एक भिखारी है और वह क्रोधित हो जाती है यह सुनकर कि अरुल ने उसे गुमराह किया वह अभी उससे बचती नहीं है क्योंकि वह उसके अच्छे स्वभाव से अधिक प्रभावित हो जाती है तो दोस्तों इस फिल्म में एंड तक में क्या होगा क्या उसको पता चल पाता है कि वह एक भिखारी नहीं बल्कि मिलीनियर करोड़पति इंसान है और इस फिल्म में क्या एंटनी अपनी माँ को बचाने में सफल हो पाता है कि नहीं और वह अपना तपस्या पूरा कर पाता है कि नहीं यह सारी चीज़ें आपको फिल्म पूरी देखने के बाद ही पता चलेगी और मैं आपको बता दूं यह फिल्म देखते हुए आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं तो आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए जिसका नाम पिचाई करण उर्फ रोड साइड रावड़ी है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी Z5 के ऊपर जी दोस्तों पिचाईकरण को Z5 के ऊपर रिलीज़ कर दिया गया है तो आपको यह फिल्म Z5 फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है पिचाईकरण और इस फिल्म को हिंदी में रोड साउड रोड साइड रावड़ी के नाम से भी रिलीज़ किया गया है तो दोस्तों इस फिल्म का नाम रोड साइड राउडी और पिछाईकरण तमिल में दिया गया है इस फिल्म के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं जो कि आजकल काफ़ी चर्चित है तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि यह फिल्म आप कहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस वीडियो के अंदर फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आपको बताने वाला हूं और पिचाईकरण या रोड सा ड्रावड़ी फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करके बताऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि यह फिल्म कितनी शानदार है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों पिचाईकरण दो की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे भी कहा जाता है जो शीशा द्वारा लिखित और निर्देशित है फातिमा विजय एंटनी द्वारा निर्मित है यह फिल्म और इसमें विजय एंटनी और सतना टाइटस ने अभिनय किया है जिसमें सहायक भूमिकाओं में बागवती पेरूमल वजहक्कू एन मुथुरमन और दीपा रामाजुनन है एंटनी ने फिल्म के लिए संगीत भी तैयार किया कहानी अरुल के बारे में है एक अरबपति व्यवसायी जो अपनी निराशाजनक मरती माँ को बचाने के लिए एक धार्मिक भेंट के रूप में एक भिखारी के रूप में 48 दिनों का गुप्त जीवन जीता है पिचाईकरण 4 मार्च 2016 को रिलीज़ हुई थी और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक बन गई थी फिल्म को उटिया में बेबी मराठी और भिखारी और कन्नड़ के अम्मा आई लव यू नाम से बनाया गया था दोस्तों मैं आपको बता दूं पिचाईकरण की सेकेंड पार्ट पिचाईकरण टू भी रिलीज हो चुकी है जिसे दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है तो अगर हम बात करें टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म को लेखक और निर्देशक स्वयं शशि जी हैं और कहानी आकीयस ने दी है इस फिल्म के मुख्य अभिनेता विजय एंटनी हैं और इस फिल्म को उत्पादित किया है विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन द्वारा 4 मार्च 2016 को रिलीज़ की गई फिल्म 130 मिनट की कार्यकारी अवधि के साथ बनाई गई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो अरुण सेलवा कुमार के रूप में विजय एंटोनी दिखाई देंगे इस फिल्म में सतना टाइटल्स दिखाई देंगे अरुण सेलवा कुमार अरुण की पत्नी के रूप में अरुण के कार्मिक सचिव राजेश के रूप में भगवती पेरुमल दिखाई देंगे अश्विनी यानी कि अरुल के चाचा के रूप में वजाकू एन मथुराम दिखाई देंगे तो चलिए इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं अरुण सेलवा कुमार तिरुपति जिले के पलदम के रहने वाले एक अमीर व्यवसायी है अरुण की मां भुवनेश्वरी अपने पति की प्रारंभिक मृत्यु के बाद उनके कपड़ा व्यवसाय के विकास के पीछे की व्यक्ति हैं अविनाशी भुवनेश्वरी का बहनोई है जो पैसे के प्रति संवेदनशील है और अरुण की संपत्तियों को हड़पने की योजना बना रहा है अरूड़ ग्रेजुएशन के बाद विदेश से लौटता है और अपनी मां द्वारा चलाए जा रहे सभी व्यवसायियों की जिम्मेदारी लेता है इस बीच भुवनेश्वरी कारखाने में एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है और कोमा में चल जाती है अरूढ़ द्वारा इसके इलाज के लिए कई सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं संयोग से अरुण उस अस्पताल में एक साधु से मिलता है जहाँ उसकी माँ का इलाज चल रहा है जो उसे बताता है कि उसकी माँ को बचाने का एक ही तरीका है ऋषि ने उन्हें दो शर्तों के साथ अड़तालीस दिनों तक भिखारी का जीवन जीने का सलाह दी पहला यह कि उसे अपनी असली पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए और दूसरा यह कि उसे किसी और को इस बारे में नहीं बताना चाहिए अपनी मां को बचाने का यह कोई अन्य रास्ता नहीं होने पर अरुण दोनों शर्तों को स्वीकार करता है और अपने दोस्त राजेश को उसके लौटने तक व्यवसाय की देखभाल करने के लिए कहता है अरुण चेन्नई जाता है और एक मंदिर में अन्य भिकारियों के साथ शामिल हो जाता है और भीख मांगना शुरू कर देता है जहाँ उसकी मुलाकात मगजिने से होती है और उसके दर्शनीय व्यक्तित्व को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है अरुल याद करते हैं कि उन्होंने उसकी मां ने शुरू में एक वैवाहिक साइट के माध्यम से मैगी जिनी से शादी के लिए संपर्क करने का फैसला किया था जिनी का भी बाद में अरुल से सामना होता है और वह उसके चरित्र को पसंद करने लगती है यह जाने बिना कि वह एक भिखारी है अश्विनी को अरुल की अनुपस्थिति का एहसास होता है और वह अरुल के व्यवसाय को संभालने की कोशिश करता है वह विवाह समारोह में मगीजनी को पता चलता है कि अरुल एक भिखारी है और वह क्रोधित हो जाती है यह सुनकर कि अरुल ने उसे गुमराह किया वह अब भी, भी उससे बचती नहीं है क्योंकि वह उसके अच्छे स्वभाव से अधिक प्रभावित हो जाती है तो दोस्तों इस फिल्म में एंड तक में क्या होगा क्या उसको पता चल पाता है कि वह एक भिखारी नहीं बल्कि मिलीनियर करोड़पति इंसान है और इस फिल्म में क्या एंटनी अपनी माँ को बचाने में सफल हो पाता है कि नहीं और वह अपना तपस्या पूरा कर पाता है कि नहीं यह सारी चीज़ें आपको फिल्म पूरी देखने के बाद ही पता चलेगी और मैं आपको बता दूँ यह फिल्म देखते हुए आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं तो आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए जिसका नाम पिचाई करण उर्फ रोड साइड रावड़ी है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यह आपको देखने के लिए मिल जाएगी Z5 के ऊपर जी दोस्तों पिचाईकरण को Z5 के ऊपर रिलीज़ कर दिया गया है तो आपको यह फिल्म Z5 फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है पिचाई और इस फिल्म को हिंदी में रोड साउड रोड साइड राउड़ी के नाम से भी रिलीज़ किया गया है तो दोस्तों इस फिल्म का नाम रोड साइड रावड़ी और पिचाईकरण तमिल में दिया गया है इस फिल्म के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं जो कि आजकल काफ़ी चर्चित है तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि यह फिल्म आप कहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस वीडियो के अंदर फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आपको बताने वाला हूं और पिचाईकरण या रोड सा ड्रावड़ी फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करके बताऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि यह फिल्म कितनी शानदार है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों पिचाईकरण दो की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे साइड ड्रावडी भी कहा जाता है जो शीशा द्वारा लिखित और निर्देशित है फातिमा विजय एंटनी द्वारा निर्मित है यह फिल्म और इसमें विजय एंटनी और सतना टाइटस ने अभिनय किया है जिसमें सहायक भूमिकाओं में बागवती पेरुमल, वजहक्कू एन मुथुरमन और दीपा रामाजुनन है एंटोनी ने फिल्म के लिए संगीत भी तैयार किया कहानी अरुल के बारे में है एक अरबपति व्यवसायी जो अपनी निराशाजनक मरती माँ को बचाने के लिए एक धार्मिक भेंट के रूप में एक भिखारी के रूप में 48 दिनों का गुप्त जीवन जीता है पिचाईकरण 4 मार्च 2016 को रिलीज हुई थी और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक बन गई थी फिल्म को उटिया में बेबी मराठी और भिखारी और कन्नड़ के अम्मा आई लव यू नाम से बनाया गया था दोस्तों मैं आपको बता दूं पिचाईकरण की सेकेंड पार्ट पिचाईकरण टू भी रिलीज़ हो चुकी है जिसे दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है तो अगर हम बात करें टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म को लेखक और निर्देशक स्वयं शशि जी हैं और कहानी आकीयस ने दी है इस फिल्म के मुख्य अभिनेता विजय एंटनी हैं और इस फिल्म को उत्पादित किया है विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन द्वारा 4 मार्च 2016 को रिलीज़ की गई फिल्म एक मिनट की कार्यकारी अवधि के साथ बनाई गई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो अरुण सेलवा कुमार के रूप में विजय एंटोनी दिखाई देंगे इस फिल्म में सतना टाइटस दिखाई देंगे अरुण सेलवा कुमार अरुण की पत्नी के रूप में अरुण के कार्मिक सचिव राजेश के रूप में भगवती पेरुमल दिखाई देंगे अश्विनी यानी कि अरुल के चाचा के रूप में वो झाकू एन मथुराम दिखाई देंगे तो चलिए इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं अरुल सेलवा कुमार तिरुपति जिले के पलदम के रहने वाले एक अमीर व्यवसायी है अरुण की मां भुवनेश्वरी अपने पति की प्रारंभिक मृत्यु के बाद उनके कपड़ा व्यवसाय के विकास के पीछे की व्यक्ति हैं अविनाशी भुवनेश्वरी का बहनोई है जो पैसे के प्रति संवेदनशील है और अरुण की संपत्तियों को हड़पने की योजना बना रहा है अरूड़ ग्रेजुएशन के बाद विदेश से लौटता है और अपनी मां द्वारा चलाए जा रहे सभी व्यवसायियों की जिम्मेदारी लेता है इस बीच भुवनेश्वरी कारखाने में एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है और कोमा में चल जाती है अरूढ़ द्वारा इसके इलाज के लिए कई सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं संयोग से अरुण उस अस्पताल में एक साधु से मिलता है जहां उसकी माँ का इलाज चल रहा है जो उसे बताता है कि उसकी माँ को बचाने का एक ही तरीका है ऋषि ने उन्हें दो शर्तों के साथ 48 दिनों तक भिखारी का जीवन जीने का सलाह दी पहला यह कि उसे अपनी असली पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए और दूसरा यह कि उसे किसी और को इस बारे में नहीं बताना चाहिए अपनी माँ को बचाने का यह कोई अन्य रास्ता नहीं होने पर अरुण दोनों शर्तों को स्वीकार करता है और अपने दोस्त राजेश को उसके लौटने तक व्यवसाय की देखभाल करने के लिए कहता है अरुण चेन्नई जाता है और एक मंदिर में अन्य भिखारियों के साथ शामिल हो जाता है और भीख मांगना शुरू कर देता है जहां उसकी मुलाकात मगजिने से होती है और उसके दर्शनील व्यक्तित्व को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है अरुल याद करते हैं कि उन्होंने उसकी मां ने शुरू में एक वैवाहिक साइट के माध्यम से मैगी जिनी से शादी के लिए संपर्क करने का फैसला किया था जिनी का भी बाद में अरुल से सामना होता है और वह उसके चरित्र को पसंद करने लगती है यह जाने बिना कि वह एक भिखारी है अश्विनी को अरुल की अनुपस्थिति का एहसास होता है और वह अरुल के व्यवसाय को संभालने की कोशिश करता है वह विवाह समारोह में मगीजनी को पता चलता है कि अरुल एक भिखारी है और वह क्रोधित हो जाती है यह सुनकर कि अरुल ने उसे गुमराह किया वह अभी भी उससे बचती नहीं है क्योंकि वह उसके अच्छे स्वभाव से अधिक प्रभावित हो जाती है तो दोस्तों इस फिल्म में एंड तक में क्या होगा क्या उसको पता चल पाता है कि वह एक भिखारी नहीं बल्कि मिलीनियर करोड़पति इंसान है और इस फिल्म में क्या एंटनी अपनी माँ को बचाने में सफल हो पाता है कि नहीं और वह अपना तपस्या पूरा कर पाता है कि नहीं यह सारी चीज़ें आपको फिल्म पूरी देखने के बाद ही पता चलेगी और मैं आपको बता दूँ यह फिल्म देखते हुए आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं तो आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए जिसका नाम करण उर्फ रोड साइड रावड़ी है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो यह आपको देखने के लिए मिल जाएगी जी के ऊपर जी दोस्तों करण को जी के ऊपर रिलीज़ कर दिया गया है तो आपको यह फिल्म जी फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है पिचाई करण और इस फिल्म को हिंदी में रोड साउड रोड साइड रावड़ी के नाम से भी रिलीज़ किया गया है तो दोस्तों इस फिल्म का नाम रोड साइड रावड़ी और पिचाईकरण तमिल में दिया गया है इस फिल्म के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं जो कि आजकल काफ़ी चर्चित है तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि यह फिल्म आप कहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस वीडियो के अंदर फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आपको बताने वाला हूं और पिचाईकरण या रोड सा ड्रावड़ी फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करके बताऊंगा ताकि आपको अंदाजा लग पाएगा कि यह फिल्म कितनी शानदार है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों पिजाईकरण दो की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे साइड भी कहा जाता है जो शीशा द्वारा लिखित और निर्देशित है फातिमा विजय द्वारा निर्मित है यह फिल्म और इसमें विजय एंटनी और सतना टाइटस ने अभिनय किया है जिसमें सहायक भूमिकाओं में बागवती पेरुमल, वजहक्कू एन मुथुरमन और दीपा रामाजुनन है एंटनी ने फिल्म के लिए संगीत भी तैयार किया कहानी अरुल के बारे में है एक अरबपति व्यवसायी जो अपनी निराशाजनक मरती माँ को बचाने के लिए एक धार्मिक भेंट के रूप में एक भिखारी के रूप में 48 दिनों का गुप्त जीवन जीता है पिचाईकरण 4 मार्च 2016 को रिलीज हुई थी और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक बन गई थी फिल्म को टिया में बेबी मराठी और भिखारी और कन्नड़ के अम्मा आई लव यू नाम से बनाया गया था दोस्तों मैं आपको बता दूं पिचाईकरण की सेकेंड पार्ट पिचाईकरण टू भी रिलीज हो चुकी है जिसे दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है तो अगर हम बात करें टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म को लेखक और निर्देशक स्वयं शशि जी हैं और कहानी आकीयस ने दी है इस फिल्म के मुख्य अभिनेता विजय एंटनी हैं और इस फिल्म को उत्पादित किया है विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन द्वारा 4 मार्च 2016 को रिलीज की गई फिल्म एक मिनट की कार्यकारी अवधि के साथ बनाई गई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो अरुण सेलवा कुमार के रूप में विजय एंटोनी दिखाई देंगे इस फिल्म में सतना टाइटस दिखाई देंगे अरुण सेलवा कुमार अरुण की पत्नी के रूप में अरुण के कार्मिक सचिव राजेश के रूप में भगवती पेरुमल दिखाई देंगे अश्विनी यानी कि अरुल के, के चाचा के रूप में वो झाकू एन मथुराम दिखाई देंगे तो चलिए इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं अरुण सेलवा कुमार तिरुपति जिले के पलदम के रहने वाले एक अमीर व्यवसायी है अरुण की माँ भुवनेश्वरी अपने पति की प्रारंभिक मृत्यु के बाद उनके कपड़ा व्यवसाय के विकास के पीछे की व्यक्ति हैं अविनाशी भुवनेश्वरी का बहनोई है जो पैसे के प्रति संवेदनशील है और अरुण की संपत्तियों को हड़पने की योजना बना रहा है अरूड़ ग्रेजुएशन के बाद विदेश से लौटता है और अपनी माँ द्वारा चलाए जा रहे सभी व्यवसायियों की जिम्मेदारी लेता है इस बीच भुवनेश्वरी कारखाने में एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है और कोमा में चल जाती है अरूढ़ द्वारा इसके इलाज के लिए कई सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं संयोग से अरुण उस अस्पताल में एक साधु से मिलता है जहाँ उसकी माँ का इलाज चल रहा है जो उसे बताता है कि उसकी माँ को बचाने का एक ही तरीका है ऋषि ने उन्हें दो शर्तों के साथ अड़तालीस दिनों तक भिखारी का जीवन जीने का सलाह दी पहला यह कि उसे अपनी असली पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए और दूसरा यह कि उसे किसी और को इस बारे में नहीं बताना चाहिए अपनी माँ को बचाने का यह कोई अन्य रास्ता नहीं होने पर अरुण दोनों शर्तों को स्वीकार करता है और अपने दोस्त राजेश को उसके लौटने तक व्यवसाय की देखभाल करने के लिए कहता है अरुण चेन्नई जाता है और एक मंदिर में अन्य भिखारियों के साथ शामिल हो जाता है और भीख मांगना शुरू कर देता है जहां उसकी मुलाकात मगजिने से होती है और उसके दर्शनील व्यक्तित्व को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है अरुल याद करते हैं कि उन्होंने उसकी मां ने शुरू में एक वैवाहिक साइट के माध्यम से जिनी से शादी के लिए संपर्क करने का फैसला किया था जिनी का भी बाद में अरुल से सामना होता है और वह उसके चरित्र को पसंद करने लगती है यह जाने बिना कि वह एक भिखारी है अश्विनी को अरुल की अनुपस्थिति का एहसास होता है और वह अरुल के व्यवसाय को संभालने की कोशिश करता है वह विवाह समारोह में मगीजनी को पता चलता है कि अरुल एक भिखारी है और वह क्रोधित हो जाती है यह सुनकर कि अरुल ने उसे गुमराह किया वह अब भी उससे बचती नहीं है क्योंकि वह उसके अच्छे स्वभाव से अधिक प्रभावित हो जाती है तो दोस्तों इस फिल्म में एंड तक में क्या होगा क्या उसको पता चल पाता है कि वह एक भिखारी नहीं बल्कि मिलीनियर करोड़पति इंसान है और इस फिल्म में क्या एंटनी अपनी माँ को बचाने में सफल हो पाता है कि नहीं और वह अपना तपस्या पूरा कर पाता है कि नहीं यह सारी चीज़ें आपको फिल्म पूरी देखने के बाद ही पता चलेगी और मैं आपको बता दूँ यह फिल्म देखते हुए आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं तो आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए जिसका नाम पिचाई करण उर्फ रोड साइड रावड़ी है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो यह आपको देखने के लिए मिल जाएगी Z5 के ऊपर जी दोस्तों पिचाई करण को Z5 के ऊपर रिलीज़ कर दिया गया है तो आपको यह फिल्म Z5 फाइव प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है पिचाई करण और इस फिल्म को हिंदी में रोड साउड रोड साइड राउडी के नाम से भी रिलीज़ किया गया है तो दोस्तों इस फिल्म का नाम रोड साइड रावड़ी और पिछाईकरण तमिल में दिया गया है इस फिल्म के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और अगर आप भी ये फ़िल्म देखना चाहते हैं जो कि आजकल काफ़ी चर्चित है तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि यह फिल्म आप कहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस वीडियो के अंदर फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आपको बताने वाला हूँ और पिछाईकरण या रोड साइड ड्रावड़ी फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करके बताऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि यह फिल्म कितनी शानदार है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों पिजयीकरण दो की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे रोड साइड ड्रावड़ी भी कहा जाता है जो शीशा द्वारा लिखित और निर्देशित है फातिमा विजय एंटनी द्वारा निर्मित है यह फिल्म और इसमें विजय एंटनी और सतना टाइटस ने अभिनय किया है जिसमें सहायक भूमिकाओं में बागवती पेरूमल वजहक्कू एन मुथुरमन और दीपा रामाजुनन है एंटोनी ने फिल्म के लिए संगीत भी तैयार किया कहानी अरुल के बारे में है एक अरबपति व्यवसायी जो अपनी निराशाजनक मरती माँ को बचाने के लिए एक धार्मिक भेंट के रूप में एक भिखारी के रूप में 48 दिनों का गुप्त जीवन जीता है पिचाईकरण 4 मार्च 2016 को रिलीज हुई थी और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बन गई थी फिल्म को उड़िया में बेबी मराठी और बिहारी और कन्नड़ के अम्मा आई लव यू नाम से बनाया गया था दोस्तों मैं आपको बता दूं पिचाईकरण की सेकेंड पार्ट पिचाईकरण टू भी रिलीज़ हो चुकी है जिसे दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है तो अगर हम बात करें टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म को लेखक और निर्देशक स्वयं शशि जी हैं और कहानी अकीस ने दी है इस फिल्म के मुख्य अभिनेता विजय एंटनी हैं और इस फिल्म को उत्पादित किया है विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन द्वारा 4 मार्च 2016 को रिलीज की गई फिल्म एक मिनट की कार्यकारी अवधि के साथ बनाई गई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर पैंतालीस करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो अरुण सेलवा कुमार के रूप में विजय एंटोनी दिखाई देंगे इस फिल्म में सतना टाइटस दिखाई देंगे अरुण सेलवा कुमार अरुल की पत्नी के रूप में अरुण के कार्मिक सचिव राजेश के रूप में भगवती पेरुमल दिखाई देंगे अश्विनी यानी कि अरुल के चाचा के रूप में वो एन मथुराम दिखाई देंगे तो चलिए इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं अरुण सेलवा कुमार तिरुपति जिले के पलदम के रहने वाले एक अमीर व्यवसायी है अरुण की माँ भुवनेश्वरी अपने पति की प्रारंभिक मृत्यु के बाद उनके कपड़ा व्यवसाय के विकास के पीछे की व्यक्ति हैं अविनाशी भुवनेश्वरी का बहनोई है जो पैसे के प्रति संवेदनशील है और अरुण की संपत्तियों को हड़पने की योजना बना रहा है अरूड़ ग्रेजुएशन के बाद विदेश से लौटता है और अपनी मां द्वारा चलाए जा रहे सभी व्यवसायियों की ज़िम्मेदारी लेता है इस बीच भुवनेश्वरी कारखाने में एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है और कोमा में चल जाती है अरूढ़ द्वारा इसके इलाज के लिए कई सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं संयोग से अरुण उस अस्पताल में एक साधु से मिलता है जहाँ उसकी माँ का इलाज चल रहा है जो उसे बताता है कि उसकी माँ को बचाने का एक ही तरीका है ऋषि ने उन्हें दो शर्तों के साथ अड़तालीस दिनों तक भिखारी का जीवन जीने का सलाह दी पहला यह कि उसे अपनी असली पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए और दूसरा यह कि उसे किसी और को इस बारे में नहीं बताना चाहिए अपनी माँ को बचाने का यह कोई अन्य रास्ता नहीं होने पर अरुण दोनों शर्तों को स्वीकार करता है और अपने दोस्त राजेश को उसके लौटने तक व्यवसाय की देखभाल करने के लिए कहता है अरुण चेन्नई जाता है और एक मंदिर में अन्य भिखारियों के साथ शामिल हो जाता है और भीख मांगना शुरू कर देता है जहां उसकी मुलाकात मगजनी से होती है और उसके दर्शनील व्यक्तित्व को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है अरुल याद करते हैं कि उन्होंने उसकी मां ने शुरू में एक वैवाहिक साइट के माध्यम से मैगी जिनी से शादी के लिए संपर्क करने का फैसला किया था मैगजिनी का भी बाद में अरुल से सामना होता है और वह उसके चरित्र को पसंद करने लगती है यह जाने बिना कि वह एक भिखारी है अश्विनी को अरुल की अनुपस्थिति का एहसास होता है और वह अरुल के व्यवसाय को संभालने की कोशिश करता है वह विवाह समारोह में मैगी जिनी को पता चलता है कि अरुल एक भिखारी है और वह क्रोध हो जाती है यह सुनकर कि अरुल ने उसे गुमराह किया वह अभी भी उससे बचती नहीं है क्योंकि वह उसके अच्छे स्वभाव से अधिक प्रभावित हो जाती है तो दोस्तों इस फिल्म में एंड तक में क्या होगा क्या उसको पता चल पाता है कि वह एक भिखारी नहीं बल्कि मिलीनियर करोड़पति इंसान है और इस फिल्म में क्या एंटनी अपनी माँ को बचाने में सफल हो पाता है कि नहीं और वह अपना तपस्या पूरा कर पाता है कि नहीं यह सारी चीज़ें आपको फिल्म पूरी देखने के बाद ही पता चलेगी और मैं आपको बता दूं यह फिल्म देखते हुए आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं तो आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए जिसका नाम पिचाई करण उर्फ रोड साइड रावड़ी है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यह आपको देखने के लिए मिल जाएगी Z5 के ऊपर जी दोस्तों पिचाईकरण को Z5 के ऊपर रिलीज़ कर दिया गया है तो आपको यह फिल्म Z5 फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है पिचाईकरण और इस फिल्म को हिंदी में रोड साउड रोड साइड रावड़ी के नाम से भी रिलीज़ किया गया है तो दोस्तों इस फिल्म का नाम रोड साइड राउडी और पिछाईकरण तमिल में दिया गया है इस फिल्म के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और अगर आप भी ये फ़िल्म देखना चाहते हैं जो कि आजकल काफ़ी चर्चित है तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि यह फिल्म आप कहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस वीडियो के अंदर फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आपको बताने वाला हूँ और पिचाईकरण या रोड साइड ड्रावड़ी फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करके बताऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि यह फिल्म कितनी शानदार है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों पिजाईकरण दो की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे रोड साइड ड्रावड़ी भी कहा जाता है जो शीशा द्वारा लिखित और निर्देशित है फातिमा विजय एंटनी द्वारा निर्मित है यह फिल्म और इसमें विजय एंटनी और सतना टाइटस ने अभिनय किया है जिसमें सहायक भूमिकाओं में बागवती पेरूमल वजहक्कू एन मुथुरमन और दीपा रामाजुनन है एंटोनी ने फिल्म के लिए संगीत भी तैयार किया कहानी अरुल के बारे में है एक अरबपति व्यवसायी जो अपनी निराशाजनक मर्तिमा को बचाने के लिए एक धार्मिक भेंट के रूप में एक भिखारी के रूप में 48 दिनों का गुप्त जीवन जीता है पिचाईकरण 4 मार्च 2016 को रिलीज हुई थी और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक बन गई थी फिल्म को उड़िया में बेबी मराठी और बिहारी और कन्नड़ के अम्मा आई लव यू नाम से बनाया गया था दोस्तों मैं आपको बता दूं पिचाईकरण की सेकेंड पार्ट पिचाईकरण टू भी रिलीज़ हो चुकी है जिसे दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है तो अगर हम बात करें टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म को लेखक और निर्देशक स्वयं शशि जी हैं और कहानी आकीयस ने दी है इस फिल्म के मुख्य अभिनेता विजय एंटनी हैं और इस फिल्म को उत्पादित किया है विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन द्वारा 4 मार्च 2016 को रिलीज की गई फिल्म एक मिनट की कार्यकारी अवधि के साथ बनाई गई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर पैंतालीस करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो अरुण सिलवा कुमार के रूप में विजय एंटोनी दिखाई देंगे इस फिल्म में सतना टाइटस दिखाई देंगे अरुण सिलवा कुमार अरुण की पत्नी के रूप में अरुण के कार्मिक सचिव राजेश के रूप में भगवती पेरूमल दिखाई देंगे अश्विनी यानी कि अरुल के चाचा के रूप में वो एन मथुराम दिखाई देंगे तो चलिए इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं अरुल सेलवा कुमार तिरुपति जिले के पलद्दम के रहने वाले एक अमीर व्यवसायी है अरुल की मां भुवनेश्वरी अपने पति की प्रारंभिक मृत्यु के बाद उनके कपड़ा व्यवसाय के विकास के पीछे की व्यक्ति हैं अविनाशी भुवनेश्वरी का बहनोई है जो पैसे के प्रति संवेदनशील है और अरुण की संपत्तियों को हड़पने की योजना बना रहा है अरूड़ ग्रेजुएशन के बाद विदेश से लौटता है और अपनी माँ द्वारा चलाए जा रहे सभी व्यवसायियों की जिम्मेदारी लेता है इस बीच भुवनेश्वरी कारखाने में एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है और कोमा में चल जाती है अरूढ़ द्वारा इसके इलाज के लिए कई सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं संयोग से अरुण उस अस्पताल में एक साधु से मिलता है जहां उसकी माँ का इलाज चल रहा है जो उसे बताता है कि उसकी माँ को बचाने का एक ही तरीका है ऋषि ने उन्हें दो शर्तों के साथ 48 दिनों तक भिखारी का जीवन जीने का सलाह दी पहला यह कि उसे अपनी असली पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए और दूसरा यह कि उसे किसी और को इस बारे में नहीं बताना चाहिए अपनी माँ को बचाने का यह कोई अन्य रास्ता नहीं होने पर अरुण दोनों शर्तों को स्वीकार करता है और अपने दोस्त राजेश को उसके लौटने तक व्यवसाय की देखभाल करने के लिए कहता है अरुण चेन्नई जाता है और एक मंदिर में अन्य भिखारियों के साथ शामिल हो जाता है और भीख मांगना शुरू कर देता है जहां उसकी मुलाकात मगजनी से होती है और उसके दर्शनील व्यक्तित्व को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है अरुल याद करते हैं कि उन्होंने उसकी मां ने शुरू में एक वैवाहिक साइट के माध्यम से मैगी जिनी से शादी के लिए संपर्क करने का फैसला किया था मैगजिनी का भी बाद में अरुल से सामना होता है और वह उसके चरित्र को पसंद करने लगती है यह जाने भी नहीं कि वह एक भिखारी है अश्विनी को अरुल की अनुपस्थिति का एहसास होता है और वह अरुल के व्यवसाय को संभालने की कोशिश करता है वह विवाह समारोह में मगीजिनी को पता चलता है कि अरुल एक भिखारी है और वह क्रोध हो जाती है यह सुनकर कि अरुण ने उसे गुमराह किया वह अभी उससे बचती नहीं है क्योंकि वह उसके अच्छे स्वभाव से अधिक प्रभावित हो जाती है तो दोस्तों इस फिल्म में एंड तक में क्या होगा क्या उसको पता चल पाता है कि वह एक भिखारी नहीं बल्कि मिलीनियर करोड़पति इंसान है और इस फिल्म में क्या एंटनी अपनी माँ को बचाने में सफल हो पाता है कि नहीं और वह अपना तपस्या पूरा कर पाता है कि नहीं यह सारी चीज़ें आपको फिल्म पूरी देखने के बाद ही पता चलेगी और मैं आपको बता दूं यह फिल्म देखते हुए आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं तो आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए जिसका नाम पिचाई करण उर्फ रोड साइड रावड़ी है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यह आपको देखने के लिए मिल जाएगी Z5 के ऊपर जी दोस्तों पिचाईकरण को Z5 के ऊपर रिलीज कर दिया गया है तो आपको यह फिल्म Z5 फाइव ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है पिचाई और इस फिल्म को हिंदी में रोड साउड रोड साइड रावड़ी के नाम से भी रिलीज़ किया गया है तो दोस्तों इस फिल्म का नाम रोड साइड राउडी और पिचाईकरण तमिल में दिया गया है इस फिल्म के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और अगर आप भी ये फ़िल्म देखना चाहते हैं जो कि आजकल काफ़ी चर्चित है तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि यह फिल्म आप कहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस वीडियो के अंदर फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आपको बताने वाला हूं और पिछाईकरण या न रोड साइड ड्रावड़ी फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करके बताऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि यह फिल्म कितनी शानदार है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों पिजयीकरण 2016 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे रोड साइड ड्रावडी भी कहा जाता है जो शीशा द्वारा लिखित और निर्देशित है फातिमा विजय एंटनी द्वारा निर्मित है यह फिल्म और इसमें विजय एंटनी और सतना टाइटस ने अभिनय किया है जिसमें सहायक भूमिकाओं में बागवती पेरूमल वजहक्कू एन मुथुरमन और दीपा रामाजुननन है एंटनी ने फिल्म के लिए संगीत भी तैयार किया कहानी अरुल के बारे में है एक अरबपति व्यवसायी जो अपनी निराशाजनक मर्तिमा को बचाने के लिए एक धार्मिक भेंट के रूप में एक भिखारी के रूप में 48 दिनों का गुप्त जीवन जीता है पिचाईकरण 4 मार्च 2016 को रिलीज हुई थी और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक बन गई थी फिल्म को उड़िया में बेबी मराठी और बिहारी और कन्नड़ के अम्मा आई लव यू नाम से बनाया गया था दोस्तों मैं आपको बता दूं पिचाईकरण की सेकेंड पार्ट पिचाईकरण टू भी रिलीज़ हो चुकी है जिसे दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है तो अगर हम बात करें टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म को लेखक और निर्देशक स्वयं शशि जी हैं और कहानी आकीयस ने दी है इस फिल्म के मुख्य अभिनेता विजय एंटनी हैं और इस फिल्म को उत्पादित किया है विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन द्वारा 4 मार्च 2016 को रिलीज़ की गई फिल्म एक मिनट की कार्यकारी अवधि के साथ बनाई गई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो अरुण सेलवा कुमार के रूप में विजय एंटोनी दिखाई देंगे इस फिल्म में सतना टाइटस दिखाई देंगे अरुण सेलवा कुमार अरुण की पत्नी के रूप में अरुण के कार्मिक सचिव राजेश के रूप में भगवती पेरुमल दिखाई देंगे अश्विनी यानी कि अरुल के चाचा के रूप में वजाकू एन मथुराम दिखाई देंगे तो चलिए इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं अरुण सेलवा कुमार तिरुपति जिले के पलदम के रहने वाले एक अमीर व्यवसायी है। अरुण की मां भुवनेश्वरी अपने पति की प्रारंभिक मृत्यु के बाद उनके कपड़ा व्यवसाय के विकास के पीछे की व्यक्ति हैं अविनाशी भुवनेश्वरी का बहनोई है जो पैसे के प्रति संवेदनशील है और अरुण की संपत्तियों को हड़पने की योजना बना रहा है अरूड़ ग्रेजुएशन के बाद विदेश से लौटता है और अपनी माँ द्वारा चलाए जा रहे सभी व्यवसायियों की जिम्मेदारी लेता है इस बीच भुवनेश्वरी कारखाने में एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है और कोमा में चल जाती है अरूढ़ द्वारा इसके इलाज के लिए कई सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं संयोग से अरुण उस अस्पताल में एक साधु से मिलता है जहां उसकी माँ का इलाज चल रहा है जो उसे बताता है कि उसकी माँ को बचाने का एक ही तरीका है ऋषि ने उन्हें दो शर्तों के साथ 48 दिनों तक भिखारी का जीवन जीने का सलाह दी पहला यह कि उसे अपनी असली पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए और दूसरा यह कि उसे किसी और को इस बारे में नहीं बताना चाहिए अपनी मां को बचाने का यह कोई अन्य रास्ता नहीं होने पर अरुण दोनों शर्तों को स्वीकार करता है और अपने दोस्त राजेश को उसके लौटने तक व्यवसाय की देखभाल करने के लिए कहता है अरुण चेन्नई जाता है और एक मंदिर में अन्य भिखारियों के साथ शामिल हो जाता है और भीख मांगना शुरू कर देता है जहाँ उसकी मुलाकात मगजनी से होती है और उसके दर्शनीय व्यक्तित्व को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है अरुल याद करते हैं कि उन्होंने उसकी मां ने शुरू में एक वैवाहिक साइट के माध्यम से जिनी से शादी के लिए संपर्क करने का फैसला किया था मैगजिनी का भी बाद में अरुल से सामना होता है और वह उसके चरित्र को पसंद करने लगती है यह जाने बिना कि वह एक भिखारी है अश्विनी को अरुल की अनुपस्थिति का एहसास होता है और वह अरुल के व्यवसाय को संभालने की कोशिश करता है वह विवाह समारोह में मगीजनी को पता चलता है कि अरुल एक भिखारी है और वह क्रोधित हो जाती है यह सुनकर कि अरुल ने उसे गुमराह किया वह भी, भी उससे बचती नहीं है क्योंकि वह उसके अच्छे स्वभाव से अधिक प्रभावित हो जाती है तो दोस्तों इस फिल्म में एंड तक में क्या होगा क्या उसको पता चल पाता है कि वह एक भिखारी नहीं बल्कि मिलीनियर करोड़पति इंसान है और इस फिल्म में क्या एंटनी अपनी माँ को बचाने में सफल हो पाता है कि नहीं और वह अपना तपस्या पूरा कर पाता है कि नहीं यह सारी चीज़ें आपको फिल्म पूरी देखने के बाद ही पता चलेगी और मैं आपको बता दूं यह फिल्म देखते हुए आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं तो आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए जिसका नाम पिचाई करण उर्फ रोड साइड रावड़ी है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यह आपको देखने के लिए मिल जाएगी Z5 के ऊपर जी दोस्तों पिचाई करण को Z5 के ऊपर रिलीज़ कर दिया गया है तो आपको यह फिल्म Z5 फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है पिचाई करण और इस फिल्म को हिंदी में रोड साउड रोड साइड रावड़ी के नाम से भी रिलीज़ किया गया है तो दोस्तों इस फिल्म का नाम रोड साइड राउडी और पिछाईकरण तमिल में दिया गया है इस फिल्म के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं जो कि आजकल काफ़ी चर्चित है तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि यह फिल्म आप कहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस वीडियो के अंदर से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आपको बताने वाला हूँ और या फिल्म के के स्टोरी ऊपर एक डीप रिव्यू भी करके बताऊंगा ताकि आपको अंदाजा लग पाएगा कि यह फिल्म कितनी शानदार है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों पिजाईकरण दो 2016 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे साइड भी कहा जाता है जो शीशा द्वारा लिखित और निर्देशित है फातिमा विजय एंटनी द्वारा निर्मित है यह फिल्म और इसमें विजय एंटनी और सतना टाइटस ने अभिनय किया है जिसमें सहायक भूमिकाओं में बागवती पेरूमल वजहक्कू एन मुथुरमन और दीपा रामाजुननन है एंटनी ने फिल्म के लिए संगीत भी तैयार किया कहानी अरुल के बारे में है एक अरबपति व्यवसायी जो अपनी निराशाजनक मरती माँ को बचाने के लिए एक धार्मिक भेंट के रूप में एक भिखारी के रूप में 48 दिनों का गुप्त जीवन जीता है पिचाईकरण 4 मार्च 2016 को रिलीज़ हुई थी और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक बन गई थी फिल्म को उड़िया में बेबी मराठी और भिखारी और कन्नड़ के अम्मा आई लव यू नाम से बनाया गया था दोस्तों मैं आपको बता दूं पिचाईकरण की सेकेंड पार्ट पिचाईकरण टू भी रिलीज हो चुकी है जिसे दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है तो अगर हम बात करें टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म को लेखक और निर्देशक स्वयं शशि जी हैं और कहानी आकीयस ने दी है इस फिल्म के मुख्य अभिनेता विजय एंटनी हैं और इस फिल्म को उत्पादित किया है विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन द्वारा 4 मार्च 2016 को रिलीज़ की गई फिल्म 130 मिनट की कार्यकारी अवधि के साथ बनाई गई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो अरुण सेलवा कुमार के रूप में विजय एंटोनी दिखाई देंगे इस फिल्म में सतना टाइटस दिखाई देंगे अरुण सेलवा कुमार अरुल की पत्नी के रूप में अरुण के कार्मिक सचिव राजेश के रूप में भगवती पेरुमल दिखाई देंगे अश्विनी यानी कि अरुल के चाचा के रूप में वजाकू एन मथुराम दिखाई देंगे तो चलिए इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं अरुण सेलवा कुमार तिरुपति जिले के पलदम के रहने वाले एक अमीर व्यवसायी है अरुण की मां भुवनेश्वरी अपने पति की प्रारंभिक मृत्यु के बाद उनके कपड़ा व्यवसाय के विकास के पीछे की व्यक्ति हैं अविनाशी भुवनेश्वरी का बहनोई है जो पैसे के प्रति संवेदनशील है और अरुण की संपत्तियों को हड़पने की योजना बना रहा है अरूड़ ग्रेजुएशन के बाद विदेश से लौटता है और अपनी माँ द्वारा चलाए जा रहे सभी व्यवसायियों की जिम्मेदारी लेता है इस बीच भुवनेश्वरी कारखाने में एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है और कोमा में चल जाती है अरूढ़ द्वारा इसके इलाज के लिए कई सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं संयोग से अरुण उस अस्पताल में एक साधु से मिलता है जहाँ उसकी माँ का इलाज चल रहा है जो उसे बताता है कि उसकी माँ को बचाने का एक ही तरीका है ऋषि ने उन्हें दो शर्तों के साथ अड़तालीस दिनों तक भिखारी का जीवन जीने का सलाह दी पहला यह कि उसे अपनी असली पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए और दूसरा यह कि उसे किसी और को इस बारे में नहीं बताना चाहिए अपनी मां को बचाने का यह कोई अन्य रास्ता नहीं होने पर अरुण दोनों शर्तों को स्वीकार करता है और अपने दोस्त राजेश को उसके लौटने तक व्यवसाय की देखभाल करने के लिए कहता है अरुण चेन्नई जाता है और एक मंदिर में अन्य भिकारियों के साथ शामिल हो जाता है और भीख मांगना शुरू कर देता है जहाँ उसकी मुलाकात मगजिने से होती है और उसके दर्शनील व्यक्तित्व को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है अरुल याद करते हैं कि उन्होंने उसकी मां ने शुरू में एक वैवाहिक साइट के माध्यम से मैगी जिनी से शादी के लिए संपर्क करने का फैसला किया था मैगजिनी का भी बाद में अरुल से सामना होता है और वह उसके चरित्र को पसंद करने लगती है यह जाने बिना कि वह एक भिखारी है अश्विनी को अरुल की अनुपस्थिति का एहसास होता है और वह अरुल के व्यवसाय को संभालने की कोशिश करता है वह विवाह समारोह में मगीजनी को पता चलता है कि अरुल एक भिखारी है और वह क्रोधित हो जाती है यह सुनकर कि अरुल ने उसे गुमराह किया वह अब भी, भी उससे बचती नहीं है क्योंकि वह उसके अच्छे स्वभाव से अधिक प्रभावित हो जाती है तो दोस्तों इस फिल्म में एंड तक में क्या होगा क्या उसको पता चल पाता है कि वह एक भिखारी नहीं बल्कि मिलीनियर करोड़पति इंसान है और इस फिल्म में क्या एंटनी अपनी माँ को बचाने में सफल हो पाता है कि नहीं और वह अपना तपस्या पूरा कर पाता है कि नहीं यह सारी चीज़ें आपको फिल्म पूरी देखने के बाद ही पता चलेगी और मैं आपको बता दूँ यह फिल्म देखते हुए आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं तो आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए जिसका नाम करण उर्फ रोड साइड रावड़ी है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो यह आपको देखने के लिए मिल जाएगी Z5 के ऊपर जी दोस्तों करण को Z5 के ऊपर रिलीज़ कर दिया गया है तो आपको यह फिल्म Z5 फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है पिचाई करण और इस फिल्म को हिंदी में रोड साउड रोड साइड रावड़ी के नाम से भी रिलीज़ किया गया है तो दोस्तों इस फिल्म का नाम रोड साइड राउडी और पिछाईकरण तमिल में दिया गया है इस फिल्म के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं जो कि आजकल काफ़ी चर्चित है तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि यह फिल्म आप कहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस वीडियो के अंदर फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आपको बताने वाला हूँ और पिछाईकरण या रोड साइड रावडी फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करके बताऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि यह फिल्म कितनी शानदार है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों पिजयीकरण दो की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे रोड साइड ड्रावड़ी भी कहा जाता है जो शीशा द्वारा लिखित और निर्देशित है फातिमा विजय एंटनी द्वारा निर्मित है यह फिल्म और इसमें विजय एंटनी और सतना टाइटस ने अभिनय किया है जिसमें सहायक भूमिकाओं में बागवती पेरूमल वजहक्कू एन मुथुरमन और दीपा रामाजुननन है एंटनी ने फिल्म के लिए संगीत भी तैयार किया कहानी अरुल के बारे में है एक अरबपति व्यवसायी जो अपनी निराशाजनक मरती माँ को बचाने के लिए एक धार्मिक भेंट के रूप में एक भिखारी के रूप में 48 दिनों का गुप्त जीवन जीता है पिचाईकरण 4 मार्च 2016 को रिलीज हुई थी और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक बन गई थी फिल्म को उटिया में बेबी मराठी और भिखारी और कन्नड़ के अम्मा आई लव यू नाम से बनाया गया था दोस्तों मैं आपको बता दूं पिचाईकरण की सेकेंड पार्ट पिचाईकरण टू भी रिलीज हो चुकी है जिसे दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है तो अगर हम बात करें टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म को लेखक और निर्देशक स्वयं शशि जी हैं और कहानी आकीयस ने दी है इस फिल्म के मुख्य अभिनेता विजय एंटनी हैं और इस फिल्म को उत्पादित किया है विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन द्वारा 4 मार्च 2016 को रिलीज़ की गई फिल्म एक मिनट की कार्यकारी अवधि के साथ बनाई गई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो अरुण सेलवा कुमार के रूप में विजय एंटोनी दिखाई देंगे इस फिल्म में सतना टाइटस दिखाई देंगे अरुण सेलवा कुमार अरुण की पत्नी के रूप में अरुण के कार्मिक सचिव राजेश के रूप में भगवती पेरुमल दिखाई देंगे अश्विनी यानी कि अरुल के चाचा के रूप में वो झाकू एन मथुराम दिखाई देंगे तो चलिए इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं अरुण सेलवा कुमार तिरुपति जिले के पलदम के रहने वाले एक अमीर व्यवसायी है अरुण की मां भुवनेश्वरी अपने पति की प्रारंभिक मृत्यु के बाद उनके कपड़ा व्यवसाय के विकास के पीछे की व्यक्ति हैं अविनाशी भुवनेश्वरी का बहनोई है जो पैसे के प्रति संवेदनशील है और अरुण की संपत्तियों को हड़पने की योजना बना रहा है अरूड़ ग्रेजुएशन के बाद विदेश से लौटता है और अपनी मां द्वारा चलाए जा रहे सभी व्यवसायियों की जिम्मेदारी लेता है इस बीच भुवनेश्वरी कारखाने में एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है और कोमा में चल जाती है अरूढ़ द्वारा इसके इलाज के लिए कई सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं संयोग से अरुण उस अस्पताल में एक साधु से मिलता है जहाँ उसकी माँ का इलाज चल रहा है जो उसे बताता है कि उसकी माँ को बचाने का एक ही तरीका है ऋषि ने उन्हें दो शर्तों के साथ अड़तालीस दिनों तक भिखारी का जीवन जीने का सलाह दी पहला यह कि उसे अपनी असली पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए और दूसरा यह कि उसे किसी और को इस बारे में नहीं बताना चाहिए अपनी माँ को बचाने का यह कोई अन्य रास्ता नहीं होने पर अरुण दोनों शर्तों को स्वीकार करता है और अपने दोस्त राजेश को उसके लौटने तक व्यवसाय की देखभाल करने के लिए कहता है अरुण चेन्नई जाता है और एक मंदिर में अन्य भिखारियों के साथ शामिल हो जाता है और भीख मांगना शुरू कर देता है जहां उसकी मुलाकात मगजिने से होती है और उसके दर्शनील व्यक्तित्व को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है अरुल याद करते हैं कि उन्होंने उसकी मां ने शुरू में एक वैवाहिक साइट के माध्यम से मैगी जिनी से शादी के लिए संपर्क करने का फैसला किया था मैगजिनी का भी बाद में अरुल से सामना होता है और वह उसके चरित्र को पसंद करने लगती है यह जाने बिना कि वह एक भिखारी है अश्विनी को अरुल की अनुपस्थिति का एहसास होता है और वह अरुल के व्यवसाय को संभालने की कोशिश करता है वह विवाह समारोह में बगीजनी को पता चलता है कि अरुल एक भिखारी है और वह क्रोधित हो जाती है यह सुनकर कि अरुल ने उसे गुमराह किया वह अभी उससे बचती नहीं है क्योंकि वह उसके अच्छे स्वभाव से अधिक प्रभावित हो जाती है तो दोस्तों इस फिल्म में एंड तक में क्या होगा क्या उसको पता चल पाता है कि वह एक भिखारी नहीं बल्कि मिलीनियर करोड़पति इंसान है और इस फिल्म में क्या एंटनी अपनी माँ को बचाने में सफल हो पाता है कि नहीं और वह अपना तपस्या पूरा कर पाता है कि नहीं यह सारी चीज़ें आपको फिल्म पूरी देखने के बाद ही पता चलेगी और मैं आपको बता दूँ यह फिल्म देखते हुए आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं तो आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए जिसका नाम करण उर्फ रोड साइड रावड़ी है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो यह आपको देखने के लिए मिल जाएगी जी के ऊपर जी दोस्तों करण को जी के ऊपर रिलीज़ कर दिया गया है तो आपको यह फिल्म जी फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है पिचाई करण और इस फिल्म को हिंदी में रोड साउड रोड साइड राउडी के नाम से भी रिलीज़ किया गया है तो दोस्तों इस फिल्म का नाम रोड साइड रावड़ी और पिचाईकरण तमिल में दिया गया है इस फिल्म के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं जो कि आजकल काफ़ी चर्चित है तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि यह फिल्म आप कहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस वीडियो के अंदर फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आपको बताने वाला हूं और पिजाईकरण या रोड सा ड्रावड़ी फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करके बताऊंगा ताकि आपको अंदाजा लग पाएगा कि यह फिल्म कितनी शानदार है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों पिजाईकरण दो की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे साइड भी कहा जाता है जो शीशा द्वारा लिखित और निर्देशित है फातिमा विजय द्वारा निर्मित है यह फिल्म और इसमें विजय एंटनी और सतना टाइटस ने अभिनय किया है जिसमें सहायक भूमिकाओं में बागवती पेरुमल, वजहक्कू एन मुथुरमन और दीपा रामाजुनन है एंटनी ने फिल्म के लिए संगीत भी तैयार किया कहानी अरुल के बारे में है एक अरबपति व्यवसायी जो अपनी निराशाजनक मरती माँ को बचाने के लिए एक धार्मिक भेंट के रूप में एक भिखारी के रूप में 48 दिनों का गुप्त जीवन जीता है पिचाईकरण 4 मार्च 2016 को रिलीज हुई थी और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक बन गई थी फिल्म को उटिया में बेबी मराठी और बिखारी और कन्नड़ के अम्मा आई लव यू नाम से बनाया गया था दोस्तों मैं आपको बता दूं पिचाईकरण की सेकेंड पार्ट पिचाईकरण टू भी रिलीज़ हो चुकी है जिसे दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है तो अगर हम बात करें टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म को लेखक और निर्देशक स्वयं शशि जी हैं और कहानी आकीयस ने दी है इस फिल्म के मुख्य अभिनेता विजय एंटनी हैं और इस फिल्म को उत्पादित किया है विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन द्वारा 4 मार्च 2016 को रिलीज की गई फिल्म एक मिनट की कार्यकारी अवधि के साथ बनाई गई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो अरुण सेलवा कुमार के रूप में विजय एंटोनी दिखाई देंगे इस फिल्म में सतना टाइटल्स दिखाई देंगे अरुण सेलवा कुमार अरुल की पत्नी के रूप में अरुण के कार्मिक सचिव राजेश के रूप में भगवती पेरुमल दिखाई देंगे अश्विनी यानी कि अरुल के, के चाचा के रूप में वो झाकू एन मथुराम दिखाई देंगे तो चलिए इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं अरुण सेलवा कुमार तिरुपति जिले के पलदम के रहने वाले एक अमीर व्यवसायी है अरुण की माँ भुवनेश्वरी अपने पति की प्रारंभिक मृत्यु के बाद उनके कपड़ा व्यवसाय के विकास के पीछे की व्यक्ति हैं अविनाशी भुवनेश्वरी का बहनोई है जो पैसे के प्रति संवेदनशील है और अरुण की संपत्तियों को हड़पने की योजना बना रहा है अरूड़ ग्रेजुएशन के बाद विदेश से लौटता है और अपनी मां द्वारा चलाए जा रहे सभी व्यवसायियों की जिम्मेदारी लेता है इस बीच भुवनेश्वरी कारखाने में एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है और कोमा में चल जाती है अरूढ़ द्वारा इसके इलाज के लिए कई सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं संयोग से अरुण उस अस्पताल में एक साधु से मिलता है जहाँ उसकी माँ का इलाज चल रहा है जो उसे बताता है कि उसकी माँ को बचाने का एक ही तरीका है ऋषि ने उन्हें दो शर्तों के साथ अड़तालीस दिनों तक भिखारी का जीवन जीने का सलाह दी पहला यह कि उसे अपनी असली पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए और दूसरा यह कि उसे किसी और को इस बारे में नहीं बताना चाहिए अपनी माँ को बचाने का यह कोई अन्य रास्ता नहीं होने पर अरुण दोनों शर्तों को स्वीकार करता है और अपने दोस्त राजेश को उसके लौटने तक व्यवसाय की देखभाल करने के लिए कहता है अरुण चेन्नई जाता है और एक मंदिर में अन्य भिखारियों के साथ शामिल हो जाता है और भीख मांगना शुरू कर देता है जहां उसकी मुलाकात मगजिने से होती है और उसके दर्शनील व्यक्तित्व को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है अरुल याद करते हैं कि उन्होंने उसकी मां ने शुरू में एक वैवाहिक साइट के माध्यम से मैगी जिनी से शादी के लिए संपर्क करने का फैसला किया था जिनी का भी बाद में अरुल से सामना होता है और वह उसके चरित्र को पसंद करने लगती है यह जाने बिना कि वह एक भिखारी है अश्विनी को अरुल की अनुपस्थिति का एहसास होता है और वह अरुल के व्यवसाय को संभालने की कोशिश करता है वह विवाह समारोह में बगीचनी को पता चलता है कि अरुल एक भिखारी है और वह क्रोधित हो जाती है यह सुनकर कि अरुल ने उसे गुमराह किया वह अभी उससे बचती नहीं है क्योंकि वह उसके अच्छे स्वभाव से अधिक प्रभावित हो जाती है तो दोस्तों इस फिल्म में एंड तक में क्या होगा क्या उसको पता चल पाता है कि वह एक भिखारी नहीं बल्कि मिलीनियर करोड़पति इंसान है और इस फिल्म में क्या एंटनी अपनी माँ को बचाने में सफल हो पाता है कि नहीं और वह अपना तपस्या पूरा कर पाता है कि नहीं यह सारी चीज़ें आपको फिल्म पूरी देखने के बाद ही पता चलेगी और मैं आपको बता दूँ यह फिल्म देखते हुए आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं तो आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए जिसका नाम पिचाई करण उर्फ रोड साइड रावड़ी है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो यह आपको देखने के लिए मिल जाएगी Z5 के ऊपर जी दोस्तों पिचाई करण को Z5 के ऊपर रिलीज़ कर दिया गया है तो आपको यह फिल्म Z5 फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है पिचाई करण और इस फिल्म को हिंदी में रोड साउड रोड साइड राउडी के नाम से भी रिलीज़ किया गया है तो दोस्तों इस फिल्म का नाम रोड साइड रावड़ी और पिछाईकरण तमिल में दिया गया है इस फिल्म के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और अगर आप भी ये फ़िल्म देखना चाहते हैं जो कि आजकल काफ़ी चर्चित है तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि यह फिल्म आप कहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस वीडियो के अंदर फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आपको बताने वाला हूं और पिछाईकरण या न रोड साइड ड्रावड़ी फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करके बताऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि यह फिल्म कितनी शानदार है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों पिजयीकरण 2016 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे रोड साइड ड्रावड़ी भी कहा जाता है जो शीशा द्वारा लिखित और निर्देशित है फातिमा विजय एंटनी द्वारा निर्मित है यह फिल्म और इसमें विजय एंटनी और सतना टाइटस ने अभिनय किया है जिसमें सहायक भूमिकाओं में बागवती पेरूमल वजहक्कू एन मुथुरमन और दीपा रामाजुनन है एंटनी ने फिल्म के लिए संगीत भी तैयार किया कहानी अरुल के बारे में है एक अरबपति व्यवसायी जो अपनी निराशाजनक मरती माँ को बचाने के लिए एक धार्मिक भेंट के रूप में एक भिखारी के रूप में 48 दिनों का गुप्त जीवन जीता है पिचाईकरण 4 मार्च 2016 को रिलीज हुई थी और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक बन गई थी फिल्म को टिया में बेबी मराठी और बिहारी और कन्नड़ के अम्मा आई लव यू नाम से बनाया गया था दोस्तों मैं आपको बता दूं पिचाईकरण की सेकेंड पार्ट पिचाईकरण टू भी रिलीज हो चुकी है जिसे दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है तो अगर हम बात करें टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म को लेखक और निर्देशक स्वयं शशि जी हैं और कहानी आकीयस ने दी है इस फिल्म के मुख्य अभिनेता विजय एंटनी हैं और इस फिल्म को उत्पादित किया है विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन द्वारा 4 मार्च 2016 को रिलीज की गई फिल्म एक मिनट की कार्यकारी अवधि के साथ बनाई गई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो अरुण सेलवा कुमार के रूप में विजय एंटोनी दिखाई देंगे इस फिल्म में सतना टाइटस दिखाई देंगे अरुण सेलवा कुमार अरुल की पत्नी के रूप में अरुण के कार्मिक सचिव राजेश के रूप में भगवती पेरुमल दिखाई देंगे अश्विनी यानी कि अरुल के चाचा के रूप में वो एन मथुराम दिखाई देंगे तो चलिए इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं अरुण सेलवा कुमार तिरुपति जिले के पलदम के रहने वाले एक अमीर व्यवसायी है अरुण की माँ भुवनेश्वरी अपने पति की प्रारंभिक मृत्यु के बाद उनके कपड़ा व्यवसाय के विकास के पीछे की व्यक्ति हैं अविनाशी भुवनेश्वरी का बहनोई है जो पैसे के प्रति संवेदनशील है और अरुण की संपत्तियों को हड़पने की योजना बना रहा है अरूड़ ग्रेजुएशन के बाद विदेश से लौटता है और अपनी माँ द्वारा चलाए जा रहे सभी व्यवसायियों की जिम्मेदारी लेता है इस बीच भुवनेश्वरी कारखाने में एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है और कोमा में चल जाती है अरूढ़ द्वारा इसके इलाज के लिए कई सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं संयोग से अरुण उस अस्पताल में एक साधु से मिलता है जहां उसकी माँ का इलाज चल रहा है जो उसे बताता है कि उसकी माँ को बचाने का एक ही तरीका है ऋषि ने उन्हें दो शर्तों के साथ 48 दिनों तक भिखारी का जीवन जीने का सलाह दी पहला यह कि उसे अपनी असली पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए और दूसरा यह कि उसे किसी और को इस बारे में नहीं बताना चाहिए अपनी माँ को बचाने का यह कोई अन्य रास्ता नहीं होने पर अरुण दोनों शर्तों को स्वीकार करता है और अपने दोस्त राजेश को उसके लौटने तक व्यवसाय की देखभाल करने के लिए कहता है अरुण चेन्नई जाता है और एक मंदिर में अन्य भिखारियों के साथ शामिल हो जाता है और भीख मांगना शुरू कर देता है जहां उसकी मुलाकात मगजिने से होती है और उसके दर्शनील व्यक्तित्व को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है अरुल याद करते हैं कि उन्होंने उसकी मां ने शुरू में एक वैवाहिक साइट के माध्यम से मैगी जिनी से शादी के लिए संपर्क करने का फैसला किया था बैगजिनी का भी बाद में अरुल से सामना होता है और वह उसके चरित्र को पसंद करने लगती है यह जाने बिना कि वह एक भिखारी है अश्विनी को अरुल की अनुपस्थिति का एहसास होता है और वह अरुल के व्यवसाय को संभालने की कोशिश करता है वह विवाह समारोह में मगीजनी को पता चलता है कि अरुल एक भिखारी है और वह क्रोधित हो जाती है यह सुनकर कि अरुल ने उसे गुमराह किया वह भी, भी उससे बचती नहीं है क्योंकि वह उसके अच्छे स्वभाव से अधिक प्रभावित हो जाती है तो दोस्तों इस फिल्म में एंड तक में क्या होगा क्या उसको पता चल पाता है कि वह एक भिखारी नहीं बल्कि मिलीनियर करोड़पति इंसान है और इस फिल्म में क्या एंटनी अपनी माँ को बचाने में सफल हो पाता है कि नहीं और वह अपना तपस्या पूरा कर पाता है कि नहीं यह सारी चीज़ें आपको फिल्म पूरी देखने के बाद ही पता चलेगी और मैं आपको बता दूं यह फिल्म देखते हुए आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं तो आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए जिसका नाम पिचाई करण उर्फ रोड साइड रावड़ी है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो यह आपको देखने के लिए मिल जाएगी जी के ऊपर जी दोस्तों पिचाई करण को जी के ऊपर रिलीज़ कर दिया गया है तो आपको यह फिल्म जी फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है पिचाई करण और इस फिल्म को हिंदी में रोड साउड रोड साइड रावड़ी के नाम से भी रिलीज़ किया गया है तो दोस्तों इस फिल्म का नाम रोड साइड राउडी और पिचाईकरण तमिल में दिया गया है इस फिल्म के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और अगर आप भी ये फ़िल्म देखना चाहते हैं जो कि आजकल काफ़ी चर्चित है तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि यह फिल्म आप कहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस वीडियो के अंदर फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आपको बताने वाला हूं और पिचाईकरण या न रोड सा ड्रावड़ी फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करके बताऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि यह फिल्म कितनी शानदार है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों पिछाईकरण दो की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे साइड भी कहा जाता है जो शीशा द्वारा लिखित और निर्देशित है फातिमा विजय द्वारा निर्मित है यह फिल्म और इसमें विजय एंटनी और सतना टाइटस ने अभिनय किया है जिसमें सहायक भूमिकाओं में बागवती पेरूमल वजहक्कू एन मुथुरमन और दीपा रामाजुनन है एंटोनी ने फिल्म के लिए संगीत भी तैयार किया कहानी अरुल के बारे में है एक अरबपति व्यवसायी जो अपनी निराशाजनक मर्तिमा को बचाने के लिए एक धार्मिक भेंट के रूप में एक भिखारी के रूप में 48 दिनों का गुप्त जीवन जीता है पिचाईकरण 4 मार्च 2016 को रिलीज हुई थी और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बन गई थी फिल्म को उड़िया में बेबी मराठी और बिहारी और कन्नड़ के अम्मा आई लव यू नाम से बनाया गया था दोस्तों मैं आपको बता दूं पिचाईकरण की सेकेंड पार्ट पिचाईकरण टू भी रिलीज़ हो चुकी है जिसे दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है तो अगर हम बात करें टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म को लेखक और निर्देशक स्वयं शशि जी हैं और कहानी आकीयस ने दी है इस फिल्म के मुख्य अभिनेता विजय एंटनी हैं और इस फिल्म को उत्पादित किया है विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन द्वारा 4 मार्च 2016 को रिलीज़ की गई फिल्म एक मिनट की कार्यकारी अवधि के साथ बनाई गई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो अरुण सेलवा कुमार के रूप में विजय एंटोनी दिखाई देंगे इस फिल्म में सतना टाइटस दिखाई देंगे अरुण सेलवा कुमार अरुण की पत्नी के रूप में अरुण के कार्मिक सचिव राजेश के रूप में भगवती पेरुमल दिखाई देंगे अश्विनी यानी कि अरुल के चाचा के रूप में वजाकू एन मथुराम दिखाई देंगे तो चलिए इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं अरुल सेलवा कुमार तिरुपति जिले के पलदम के रहने वाले एक अमीर व्यवसायी है अरुण की मां भुवनेश्वरी अपने पति की प्रारंभिक मृत्यु के बाद उनके कपड़ा व्यवसाय के विकास के पीछे की व्यक्ति हैं अविनाशी भुवनेश्वरी का बहनोई है जो पैसे के प्रति संवेदनशील है और अरुण की संपत्तियों को हड़पने की योजना बना रहा है अरूड़ ग्रेजुएशन के बाद विदेश से लौटता है और अपनी माँ द्वारा चलाए जा रहे सभी व्यवसायियों की जिम्मेदारी लेता है इस बीच भुवनेश्वरी कारखाने में एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है और कोमा में चल जाती है अरूढ़ द्वारा इसके इलाज के लिए कई सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं संयोग से अरुण उस अस्पताल में एक साधु से मिलता है जहां उसकी माँ का इलाज चल रहा है जो उसे बताता है कि उसकी माँ को बचाने का एक ही तरीका है ऋषि ने उन्हें दो शर्तों के साथ 48 दिनों तक भिखारी का जीवन जीने का सलाह दी पहला यह कि उसे अपनी असली पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए और दूसरा यह कि उसे किसी और को इस बारे में नहीं बताना चाहिए अपनी माँ को बचाने का यह कोई अन्य रास्ता नहीं होने पर अरुण दोनों शर्तों को स्वीकार करता है और अपने दोस्त राजेश को उसके लौटने तक व्यवसाय की देखभाल करने के लिए कहता है अरुण चेन्नई जाता है और एक मंदिर में अन्य भिखारियों के साथ शामिल हो जाता है और भीख मांगना शुरू कर देता है जहां उसकी मुलाकात मगजनी से होती है और उसके दर्शनील व्यक्तित्व को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है अरुल याद करते हैं कि उन्होंने उसकी मां ने शुरू में एक वैवाहिक साइट के माध्यम से मैगी जिनी से शादी के लिए संपर्क करने का फैसला किया था मैगजिनी का भी बाद में अरुल से सामना होता है और वह उसके चरित्र को पसंद करने लगती है यह जाने बिना कि वह एक भिखारी है अश्विनी को अरुल की अनुपस्थिति का एहसास होता है और वह अरुल के व्यवसाय को संभालने की कोशिश करता है वह विवाह समारोह में मगीजनी को पता चलता है कि अरुल एक भिखारी है और वह क्रोधित हो जाती है यह सुनकर कि अरुल ने उसे गुमराह किया वह अभी भी उससे बचती नहीं है क्योंकि वह उसके अच्छे स्वभाव से अधिक प्रभावित हो जाती है तो दोस्तों इस फिल्म में एंड तक में क्या होगा क्या उसको पता चल पाता है कि वह एक भिखारी नहीं बल्कि मिलीनियर करोड़पति इंसान है और इस फिल्म में क्या एंटनी अपनी माँ को बचाने में सफल हो पाता है कि नहीं और वह अपना तपस्या पूरा कर पाता है कि नहीं यह सारी चीज़ें आपको फिल्म पूरी देखने के बाद ही पता चलेगी और मैं आपको बता दूँ यह फिल्म देखते हुए आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं तो आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए जिसका नाम करण उर्फ रोड साइड रावड़ी है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो यह आपको देखने के लिए मिल जाएगी Z5 के ऊपर जी दोस्तों करण को Z5 के ऊपर रिलीज़ कर दिया गया है तो आपको यह फिल्म Z5 फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है पिचाई करण और इस फिल्म को हिंदी में रोड साउड रोड साइड रावड़ी के नाम से भी रिलीज़ किया गया है तो दोस्तों इस फिल्म का नाम रोड साइड राउडी और पिचाईकरण तमिल में दिया गया है इस फिल्म के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और अगर आप भी ये फ़िल्म देखना चाहते हैं जो कि आजकल काफ़ी चर्चित है तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि यह फिल्म आप कहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस वीडियो के अंदर फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आपको बताने वाला हूँ और पिछाईकरण रोड सा ड्रावड़ी के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करके बताऊंगा ताकि आपको अंदाजा लग पाएगा कि यह फिल्म कितनी शानदार है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों पिजाईकरण दो की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे रोड साइड ड्रावड़ी भी कहा जाता है जो शीशा द्वारा लिखित और निर्देशित है फातिमा विजय एंटनी द्वारा निर्मित है यह फिल्म और इसमें विजय एंटनी और सतना टाइटस ने अभिनय किया है जिसमें सहायक भूमिकाओं में बागवती पेरूमल वजहक्कू एन मुथुरमन और दीपा रामाजुननन है एंटनी ने फिल्म के लिए संगीत भी तैयार किया कहानी अरुल के बारे में है एक अरबपति व्यवसायी जो अपनी निराशाजनक मर्तिमा को बचाने के लिए एक धार्मिक भेंट के रूप में एक भिखारी के रूप में 48 दिनों का गुप्त जीवन जीता है पिचाईकरण 4 मार्च 2016 को रिलीज हुई थी और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक बन गई थी फिल्म को उड़िया में बेबी मराठी और बिहारी और कन्नड़ के अम्मा आई लव यू नाम से बनाया गया था दोस्तों मैं आपको बता दूं पिचाईकरण की सेकेंड पार्ट पिचाईकरण टू भी रिलीज़ हो चुकी है जिसे दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है तो अगर हम बात करें टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म को लेखक और निर्देशक स्वयं शशि जी हैं और कहानी आकीयस ने दी है इस फिल्म के मुख्य अभिनेता विजय एंटनी हैं और इस फिल्म को उत्पादित किया है विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन द्वारा 4 मार्च 2016 को रिलीज़ की गई फिल्म एक मिनट की कार्यकारी अवधि के साथ बनाई गई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो अरुण सेलवा कुमार के रूप में विजय एंटोनी दिखाई देंगे इस फिल्म में सतना टाइटस दिखाई देंगे अरुण सेलवा कुमार अरुण की पत्नी के रूप में अरुण के कार्मिक सचिव राजेश के रूप में भगवती पेरुमल दिखाई देंगे अश्विनी यानी कि अरुल के चाचा के रूप में वजाकू एन मथुराम दिखाई देंगे तो चलिए इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं अरुण सेलवा कुमार तिरुपति जिले के पलदम के रहने वाले एक अमीर व्यवसायी है अरुण की मां भुवनेश्वरी अपने पति की प्रारंभिक मृत्यु के बाद उनके कपड़ा व्यवसाय के विकास के पीछे की व्यक्ति हैं अविनाशी भुवनेश्वरी का बहनोई है जो पैसे के प्रति संवेदनशील है और अरुण की संपत्तियों को हड़पने की योजना बना रहा है अरोड़ ग्रेजुएशन के बाद विदेश से लौटता है और अपनी माँ द्वारा चलाए जा रहे सभी व्यवसायियों की जिम्मेदारी लेता है इस बीच भुवनेश्वरी कारखाने में एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है और कोमा में चल जाती है अरूढ़ द्वारा इसके इलाज के लिए कई सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं संयोग से अरुण उस अस्पताल में एक साधु से मिलता है जहां उसकी माँ का इलाज चल रहा है जो उसे बताता है कि उसकी माँ को बचाने का एक ही तरीका है ऋषि ने उन्हें दो शर्तों के साथ 48 दिनों तक भिखारी का जीवन जीने का सलाह दी पहला यह कि उसे अपनी असली पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए और दूसरा यह कि उसे किसी और को इस बारे में नहीं बताना चाहिए अपनी माँ को बचाने का यह कोई अन्य रास्ता नहीं होने पर अरुण दोनों शर्तों को स्वीकार करता है और अपने दोस्त राजेश को उसके लौटने तक व्यवसाय की देखभाल करने के लिए कहता है अरुण चेन्नई जाता है और एक मंदिर में अन्य भिखारियों के साथ शामिल हो जाता है और भीख मांगना शुरू कर देता है जहाँ उसकी मुलाकात मगजनी से होती है और उसके दर्शनीय व्यक्तित्व को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है अरुल याद करते हैं कि उन्होंने उसकी मां ने शुरू में एक वैवाहिक साइट के माध्यम से मैगी जिनी से शादी के लिए संपर्क करने का फैसला किया था मैगी बैगजिनी का भी बाद में अरुल से सामना होता है और वह उसके चरित्र को पसंद करने लगती है यह जाने बिना कि वह एक भिखारी है अश्विनी को अरुल की अनुपस्थिति का एहसास होता है और वह अरुल के व्यवसाय को संभालने की कोशिश करता है वह विवाह समारोह में मैगी मगीजिनी को पता चलता है कि अरुल एक भिखारी है और वह क्रोध हो जाती है यह सुनकर कि अरुण ने उसे गुमराह किया वह अभी उससे बचती नहीं है क्योंकि वह उसके अच्छे स्वभाव से अधिक प्रभावित हो जाती है तो दोस्तों इस फिल्म में एंड तक में क्या होगा क्या उसको पता चल पाता है कि वह एक भिखारी नहीं बल्कि मिलीनियर करोड़पति इंसान है और इस फिल्म में क्या एंटनी अपनी माँ को बचाने में सफल हो पाता है कि नहीं और वह अपना तपस्या पूरा कर पाता है कि नहीं यह सारी चीज़ें आपको फिल्म पूरी देखने के बाद ही पता चलेगी और मैं आपको बता दूं यह फिल्म देखते हुए आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं तो आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए जिसका नाम करण उर्फ रोड साइड रावड़ी है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो यह आपको देखने के लिए मिल जाएगी जी के ऊपर जी दोस्तों करण को जी के ऊपर रिलीज़ कर दिया गया है तो आपको यह फिल्म जी फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है पिचाई करण और इस फिल्म को हिंदी में रोड साउड रोड साइड रावड़ी के नाम से भी रिलीज़ किया गया है तो दोस्तों इस फिल्म का नाम रोड साइड राउड़ी और पिछाईकरण तमिल में दिया गया है इस फिल्म के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं जो कि आजकल काफ़ी चर्चित है तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि यह फिल्म आप कहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस वीडियो के अंदर फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आपको बताने वाला हूँ और पिछाईकरण यार रोड साइड ड्रावड़ी फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करके बताऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि यह फिल्म कितनी शानदार है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों पिजाईकरण दो की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे रोड साइड ड्रावड़ी भी कहा जाता है जो शीशा द्वारा लिखित और निर्देशित है फातिमा विजय एंटनी द्वारा निर्मित है यह फिल्म और इसमें विजय एंटनी और सतना टाइटस ने अभिनय किया है जिसमें सहायक भूमिकाओं में बागवती पेरूमल वजहक्कू एन मुथुरमन और दीपा रामाजुननन है एंटनी ने फिल्म के लिए संगीत भी तैयार किया कहानी अरुल के बारे में है एक अरबपति व्यवसायी जो अपनी निराशाजनक मरती माँ को बचाने के लिए एक धार्मिक भेंट के रूप में एक भिखारी के रूप में 48 दिनों का गुप्त जीवन जीता है पिचाईकरण 4 मार्च 2016 को रिलीज़ हुई थी और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक बन गई थी फिल्म को उटिया में बेबी मराठी और बिहारी और कन्नड़ के अम्मा आई लव यू नाम से बनाया गया था दोस्तों मैं आपको बता दूं पिचाईकरण की सेकेंड पार्ट पिचाईकरण टू भी रिलीज हो चुकी है जिसे दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है तो अगर हम बात करें टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म को लेखक और निर्देशक स्वयं शशि जी हैं और कहानी अकीस ने दी है इस फिल्म के मुख्य अभिनेता विजय एंटनी हैं और इस फिल्म को उत्पादित किया है विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन द्वारा 4 मार्च 2016 को रिलीज़ की गई फिल्म एक मिनट की कार्यकारी अवधि के साथ बनाई गई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो अरुण सेलवा कुमार के रूप में विजय एंटोनी दिखाई देंगे इस फिल्म में सतना टाइटस दिखाई देंगे अरुण सेलवा कुमार अरुल की पत्नी के रूप में अरुण के कार्मिक सचिव राजेश के रूप में भगवती पेरूमल दिखाई देंगे अश्विनी यानी कि अरुल के चाचा के रूप में वजाकू एन मथुराम दिखाई देंगे तो चलिए इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं अरुण सेलवा कुमार तिरुपति जिले के पलदम के रहने वाले एक अमीर व्यवसायी है अरुण की मां भुवनेश्वरी अपने पति की प्रारंभिक मृत्यु के बाद उनके कपड़ा व्यवसाय के विकास के पीछे की व्यक्ति हैं अविनाशी भुवनेश्वरी का बहनोई है जो पैसे के प्रति संवेदनशील है और अरुण की संपत्तियों को हड़पने की योजना बना रहा है अरूड़ ग्रेजुएशन के बाद विदेश से लौटता है और अपनी माँ द्वारा चलाए जा रहे सभी व्यवसायियों की जिम्मेदारी लेता है इस बीच भुवनेश्वरी कारखाने में एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है और कोमा में चल जाती है अरूढ़ द्वारा इसके इलाज के लिए कई सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं संयोग से अरुण उस अस्पताल में एक साधु से मिलता है जहाँ उसकी माँ का इलाज चल रहा है जो उसे बताता है कि उसकी माँ को बचाने का एक ही तरीका है ऋषि ने उन्हें दो शर्तों के साथ अड़तालीस दिनों तक भिखारी का जीवन जीने का सलाह दी पहला यह कि उसे अपनी असली पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए और दूसरा यह कि उसे किसी और को इस बारे में नहीं बताना चाहिए अपनी माँ को बचाने का यह कोई अन्य रास्ता नहीं होने पर अरुण दोनों शर्तों को स्वीकार करता है और अपने दोस्त राजेश को उसके लौटने तक व्यवसाय की देखभाल करने के लिए कहता है अरुण चेन्नई जाता है और एक मंदिर में अन्य भिकारियों के साथ शामिल हो जाता है और भीख मांगना शुरू कर देता है जहाँ उसकी मुलाकात मगजिने से होती है और उसके दर्शनीय व्यक्तित्व को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है अरुल याद करते हैं कि उन्होंने उसकी मां ने शुरू में एक वैवाहिक साइट के माध्यम से मैगी जिनी से शादी के लिए संपर्क करने का फैसला किया था मैगी मैगजिनी का भी बाद में अरुल से सामना होता है और वह उसके चरित्र को पसंद करने लगती है यह जाने बिना कि वह एक भिखारी है अश्विनी को अरुल की अनुपस्थिति का एहसास होता है और वह अरुल के व्यवसाय को संभालने की कोशिश करता है वह विवाह समारोह में मैगी मगीजिनी को पता चलता है कि अरुल एक भिखारी है और वह क्रोध हो जाती है यह सुनकर कि अरुण ने उसे गुमराह किया वह अभी भी उससे बचती नहीं है क्योंकि वह उसके अच्छे स्वभाव से अधिक प्रभावित हो जाती है तो दोस्तों इस फिल्म में एंड तक में क्या होगा क्या उसको पता चल पाता है कि वह एक भिखारी नहीं बल्कि मिलीनियर करोड़पति इंसान है और इस फिल्म में क्या एंटनी अपनी माँ को बचाने में सफल हो पाता है कि नहीं और वह अपना तपस्या पूरा कर पाता है कि नहीं यह सारी चीज़ें आपको फिल्म पूरी देखने के बाद ही पता चलेगी और मैं आपको बता दूँ यह फिल्म देखते हुए आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं तो आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए जिसका नाम पिचाई करण उर्फ रोड साइड रावड़ी है तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी Z5 के ऊपर जी दोस्तों पिचाईकरण को Z5 के ऊपर रिलीज़ कर दिया गया है तो आपको यह फिल्म Z5 फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है पिचाई और इस फिल्म को हिंदी में रोड साउड रोड साइड रावड़ी के नाम से भी रिलीज़ किया गया है तो दोस्तों इस फिल्म का नाम रोड साइड रावड़ी और पिचाईकरण तमिल में दिया गया है इस फिल्म के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं जो कि आजकल काफ़ी चर्चित है तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि यह फिल्म आप कहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस वीडियो के अंदर फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आपको बताने वाला हूं और पिजाईकरण या रोड सा ड्रावड़ी फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करके बताऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि यह फिल्म कितनी शानदार है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों पिचाईकरण दो की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे साइड भी कहा जाता है जो शीशा द्वारा लिखित और निर्देशित है फातिमा विजय एंटनी द्वारा निर्मित है यह फिल्म और इसमें विजय एंटनी और सतना टाइटस ने अभिनय किया है जिसमें सहायक भूमिकाओं में बागवती पेरुमल, वजहक्कू एन मुथुरमन और दीपा रामाजुनन है एंटोनी ने फिल्म के लिए संगीत भी तैयार किया कहानी अरुल के बारे में है एक अरबपति व्यवसायी जो अपनी निराशाजनक मरती माँ को बचाने के लिए एक धार्मिक भेंट के रूप में एक भिखारी के रूप में 48 दिनों का गुप्त जीवन जीता है पिचाईकरण 4 मार्च 2016 को रिलीज हुई थी और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक बन गई थी फिल्म को उटिया में बेबी मराठी और भिखारी और कन्नड़ के अम्मा आई लव यू नाम से बनाया गया था दोस्तों मैं आपको बता दूं पिचाईकरण की सेकेंड पार्ट पिचाईकरण टू भी रिलीज हो चुकी है जिसे दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है तो अगर हम बात करें टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म को लेखक और निर्देशक स्वयं शशि जी हैं और कहानी आकीयस ने दी है इस फिल्म के मुख्य अभिनेता विजय एंटनी हैं और इस फिल्म को उत्पादित किया है विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन द्वारा 4 मार्च 2016 को रिलीज़ की गई फिल्म एक मिनट की कार्यकारी अवधि के साथ बनाई गई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो अरुण सेलवा कुमार के रूप में विजय एंटोनी दिखाई देंगे इस फिल्म में सतना टाइटस दिखाई देंगे अरुण सेलवा कुमार अरुण की पत्नी के रूप में अरुण के कार्मिक सचिव राजेश के रूप में भगवती पेरुमल दिखाई देंगे अश्विनी यानी कि अरुल के चाचा के रूप में वो एन मथुराम दिखाई देंगे तो चलिए इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं अरुण सेलवा कुमार तिरुपति जिले के पलदम के रहने वाले एक अमीर व्यवसायी है अरुण की मां भुवनेश्वरी अपने पति की प्रारंभिक मृत्यु के बाद उनके कपड़ा व्यवसाय के विकास के पीछे की व्यक्ति हैं अविनाशी भुवनेश्वरी का बहनोई है जो पैसे के प्रति संवेदनशील है और अरुण की संपत्तियों को हड़पने की योजना बना रहा है अरूड़ ग्रेजुएशन के बाद विदेश से लौटता है और अपनी मां द्वारा चलाए जा रहे सभी व्यवसायियों की जिम्मेदारी लेता है इस बीच भुवनेश्वरी कारखाने में एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है और कोमा में चल जाती है अरूढ़ द्वारा इसके इलाज के लिए कई सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं संयोग से अरुण उस अस्पताल में एक साधु से मिलता है जहां उसकी माँ का इलाज चल रहा है जो उसे बताता है कि उसकी माँ को बचाने का एक ही तरीका है ऋषि ने उन्हें दो शर्तों के साथ 48 दिनों तक भिखारी का जीवन जीने का सलाह दी पहला यह कि उसे अपनी असली पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए और दूसरा यह कि उसे किसी और को इस बारे में नहीं बताना चाहिए अपनी माँ को बचाने का यह कोई अन्य रास्ता नहीं होने पर अरुण दोनों शर्तों को स्वीकार करता है और अपने दोस्त राजेश को उसके लौटने तक व्यवसाय की देखभाल करने के लिए कहता है अरुण चेन्नई जाता है और एक मंदिर में अन्य भिखारियों के साथ शामिल हो जाता है और भीख मांगना शुरू कर देता है जहां उसकी मुलाकात मगजिने से होती है और उसके दर्शनील व्यक्तित्व को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है अरुल याद करते हैं कि उन्होंने उसकी मां ने शुरू में एक वैवाहिक साइट के माध्यम से मैगी जिनी से शादी के लिए संपर्क करने का फैसला किया था जिनी का भी बाद में अरुल से सामना होता है और वह उसके चरित्र को पसंद करने लगती है यह जाने बिना कि वह एक भिखारी है अश्विनी को अरुल की अनुपस्थिति का एहसास होता है और वह अरुल के व्यवसाय को संभालने की कोशिश करता है वह विवाह समारोह में मगीजनी को पता चलता है कि अरुल एक भिखारी है और वह क्रोधित हो जाती है यह सुनकर कि अरुल ने उसे गुमराह किया वह अब भी उससे बचती नहीं है क्योंकि वह उसके अच्छे स्वभाव से अधिक प्रभावित हो जाती है तो दोस्तों इस फिल्म में एंड तक में क्या होगा क्या उसको पता चल पाता है कि वह एक भिखारी नहीं बल्कि मिलीनियर करोड़पति इंसान है और इस फिल्म में क्या एंटनी अपनी माँ को बचाने में सफल हो पाता है कि नहीं और वह अपना तपस्या पूरा कर पाता है कि नहीं यह सारी चीज़ें आपको फिल्म पूरी देखने के बाद ही पता चलेगी और मैं आपको बता दूँ यह फिल्म देखते हुए आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं तो आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए जिसका नाम करण उर्फ रोड साइड रावड़ी है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो यह आपको देखने के लिए मिल जाएगी जी के ऊपर जी दोस्तों करण को जी के ऊपर रिलीज़ कर दिया गया है तो आपको यह फिल्म जी फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है पिचाई करण और इस फिल्म को हिंदी में रोड साउड रोड साइड रावड़ी के नाम से भी रिलीज़ किया गया है तो दोस्तों इस फिल्म का नाम रोड साइड रावड़ी और पिचाईकरण तमिल में दिया गया है इस फिल्म के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं जो कि आजकल काफ़ी चर्चित है तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि यह फिल्म आप कहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस वीडियो के अंदर फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो आपको बताने वाला हूं और पिचाईकरण या रोड सावड़ी फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करके बताऊंगा ताकि आपको अंदाजा लग पाएगा कि यह फिल्म कितनी शानदार है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों पिचाईकरण 2016 दो की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे रोड साइड ड्रावडी भी कहा जाता है जो शीशा द्वारा लिखित और निर्देशित है फातिमा विजय एंटनी द्वारा निर्मित है यह फिल्म और इसमें विजय एंटनी और सतना टाइटस ने अभिनय किया है जिसमें सहायक भूमिकाओं में बागवती पेरुमल, वजहक्कू एन मुथुरमन और दीपा रामाजुनन है एंटनी ने फिल्म के लिए संगीत भी तैयार किया कहानी अरुल के बारे में है एक अरबपति व्यवसायी जो अपनी निराशाजनक मरती माँ को बचाने के लिए एक धार्मिक भेंट के रूप में एक भिखारी के रूप में 48 दिनों का गुप्त जीवन जीता है पिचाईकरण 4 मार्च 2016 को रिलीज हुई थी और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक बन गई थी फिल्म को उटिया में बेबी मराठी और बिखारी और कन्नड़ के अम्मा आई लव यू नाम से बनाया गया था दोस्तों मैं आपको बता दूं पिचाईकरण की सेकेंड पार्ट पिचाईकरण टू भी रिलीज़ हो चुकी है जिसे दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है तो अगर हम बात करें टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म को लेखक और निर्देशक स्वयं शशि जी हैं और कहानी आकीयस ने दी है इस फिल्म के मुख्य अभिनेता विजय एंटनी हैं और इस फिल्म को उत्पादित किया है विजय एंटनी फिल्म कॉरपोरेशन द्वारा 4 मार्च 2016 को रिलीज़ की गई फिल्म एक मिनट की कार्यकारी अवधि के साथ बनाई गई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर पैंतालीस करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो अरुण सेलवा कुमार के रूप में विजय एंटोनी दिखाई देंगे इस फिल्म में सतना टाइटस दिखाई देंगे अरूल सेलवा कुमार अरूल की पत्नी के रूप में अरूल के कार्मिक सचिव राजेश के रूप में भगवती पैरूमल दिखाई देंगे अश्विनी यानी कि अरुल के चाचा के रूप में वो झाकू एन मुथुराम दिखाई देंगे तो चलिए इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं अरुण सेलवा कुमार तिरुपति जिले के पलदम के रहने वाले एक अमीर व्यवसायी है अरुण की माँ भुवनेश्वरी अपने पति की प्रारंभिक मृत्यु के बाद उनके कपड़ा व्यवसाय के विकास के पीछे की व्यक्ति हैं अविनाशी भुवनेश्वरी का बहनोई है जो पैसे के प्रति संवेदनशील है और अरुण की संपत्तियों को हड़पने की योजना बना रहा है अरूड़ ग्रेजुएशन के बाद विदेश से लौटता है और अपनी मां द्वारा चलाए जा रहे सभी व्यवसायियों की जिम्मेदारी लेता है इस बीच भुवनेश्वरी कारखाने में एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है और कोमा में चल जाती है अरूढ़ द्वारा इसके इलाज के लिए कई सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं संयोग से अरुण उस अस्पताल में एक साधु से मिलता है जहाँ उसकी माँ का इलाज चल रहा है जो उसे बताता है कि उसकी माँ को बचाने का एक ही तरीका है ऋषि ने उन्हें दो शर्तों के साथ अड़तालीस दिनों तक भिखारी का जीवन जीने का सलाह दी पहला यह कि उसे अपनी असली पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए और दूसरा यह कि उसे किसी और को इस बारे में नहीं बताना चाहिए अपनी माँ को बचाने का यह कोई अन्य रास्ता नहीं होने पर अरुण दोनों शर्तों को स्वीकार करता है और अपने दोस्त राजेश को उसके लौटने तक व्यवसाय की देखभाल करने के लिए कहता है अरुण चेन्नई जाता है और एक मंदिर में अन्य भिखारियों के साथ शामिल हो जाता है और भीख मांगना शुरू कर देता है जहां उसकी मुलाकात मगजिने से होती है और उसके दर्शनील व्यक्तित्व को देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है अरुल याद करते हैं कि उन्होंने उसकी मां ने शुरू में एक वैवाहिक साइट के माध्यम से मैगी जिनी से शादी के लिए संपर्क करने का फैसला किया था जिनी का भी बाद में अरुल से सामना होता है और वह उसके चरित्र को पसंद करने लगती है यह जाने बिना कि वह एक भिखारी है अश्विनी को अरुल की अनुपस्थिति का एहसास होता है और वह अरुल के व्यवसाय को संभालने की कोशिश करता है वह विवाह समारोह में मगीजनी को पता चलता है कि अरुल एक भिखारी है और वह क्रोधित हो जाती है यह सुनकर कि अरुल ने उसे गुमराह किया वह अब भी उससे बचती नहीं है क्योंकि वह उसके अच्छे स्वभाव से अधिक प्रभावित हो जाती है तो दोस्तों इस फिल्म में एंड तक में क्या होगा क्या उसको पता चल पाता है कि वह एक भिखारी नहीं बल्कि मिलीनियर करोड़पति इंसान है और इस फिल्म में क्या एंटनी अपनी माँ को बचाने में सफल हो पाता है कि नहीं और वह अपना तपस्या पूरा कर पाता है कि नहीं यह सारी चीज़ें आपको फिल्म पूरी देखने के बाद ही पता चलेगी और मैं आपको बता दूँ यह फिल्म देखते हुए आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने वाले हैं तो आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए जिसका नाम पिचाईकरण उर्फ रोड साइड रावड़ी है तो अगर आप भी यह फ़िल्म देखना चाहते हैं तो यह आपको देखने के लिए मिल जाएगी Z5 के ऊपर जी दोस्तों पिचाईकरण को Z5 के ऊपर रिलीज़ कर दिया गया है तो आपको यह फिल्म Z5 फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी